नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नमस्कार, दूरदर्शन की इस खास प्रस्तुति में, वुमेन्स डे स्पेशल इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान एक ऐसी धरती है जहां पर एक तरफ नारी को पूजा जाता है, देवी माना जाता है, पर वहीं दूसरी ओर ऐसा भी होता है जहां पर भ्रूण हत्या, रेप, मिस रिप्रेजेंटेशन, इनइक्वालिटी जैसी परेशानियों से वो जूझती रही है और जूझ रही है। इस सभी में एक अहम मुद्दा सामने आता है, जेंडर इक्वालिटी का। आज वुमेन्स डे के मौके पर हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये नाम सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, परंतु एकांत में जब इसकी चर्चा करते हैं तो काफ़ी सवाल हमारे अंदर जन्म लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि महिला दिवस इस रूप में मनाया जाएगा, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इस दिन की घोषणा करनी पड़ी, क्या इसका उद्देश्य शुरुआत से ही महिलाओं को सम्मान देना था या फिर परेशानियों से तंग आकर आक्रोश में हमें ये दिन मनाना पड़ा। We are delighted that we have beautiful intellectual audience with us who are here with us in the studio to celebrate Women's Day and also some eminent guests. Modern day mein gender equality ki bahut baat hoti hai. Terms like toxic masculinity are talked about. Isme media ka kya role hai, films ka, radio ka kya role hai. Is sabhi muddon ke bare mein hum baat karenge. Sabse pehle Dr. Abhijit Das se. अभिजीत दास काफ़ी समय से एक जेंडर इक्वालिटी को लेके इस देश में काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को लेके इस देश में काम कर रहे हैं। अभिजीत दास का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और मैं गुजारिश करूंगा इनसे कि ये मंच पर आए और हमारे दर्शकों से रूबरू होए। सो फर्स्टली अ वेरी वार्म वेलकम एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम टू सेट द टोन राइट ऑफ द प्रोग्राम। लेट मी बिगिन विद, व्हाट डू यू थिंक इज जेंडर इक्वालिटी? थैंक यू, मुझे इस शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल तो ये है कि जेंडर इक्वालिटी और महिला दिवस के इस कार्यशाला में मैं क्यों पहले बोल रहा हूँ? मुझे लगता है इसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। एक अंग्रेजी में कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। इसको फ्लिप कीजिए, हाउ कैन देयर बी सक्सेसफुल वुमेन विदाउट अ मैन, एंड विदाउट अ मैन जो कि अपने जिंदगी में महिलाओं को एक दूसरी नज़र से देखता हो, मदद करता हो, उनके हर खुशी में जश्न मनाता हो, उनके हर सफलता पे जश्न मनाता हो। Right. तो इसके लिए जेंडर इक्वालिटी की बात जब भी हम करें, हमें पुरुषों की बात, मर्दों की बात भी करनी पड़ेगी। हाँ, हमारा उद्देश्य ज़रूर है कि महिलाओं की जो है समाज में प्रतिष्ठा हो, हर क्षेत्र में महिलाएँ आगे बढ़ें, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सालों से, सदियों से हमारी समाज जो है एक प्रकार से पुरुषतांत्रिक या जिसको पितृसत्तात्मक भी हम कहते हैं, तो एक ढांचा बहुत सालों से चलता आया है और वो ढांचा है कि मर्दों की एक जगह है और महिलाओं की एक जगह है। पिछले सैकड़ों साल, एक साल, 100 साल हो रहा है जिसमें महिलाओं ने अपने इस जगह को चुनौती दी और आगे बढ़ने का हर प्रयास करते आए हैं। अब इस प्रयास में सहारा मिला, हम लोग अपने देश के इतिहास में काफ़ी लोगों का नाम कहते हैं, राममोहन रॉय का नाम कहते हैं, ज्योतिबा फुले का नाम कहते हैं, उन्होंने मदद किया, लेकिन बहुत समय विरोध और आक्रोश का भी सामना करना पड़ा है। ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात हम कर रहे हैं, ये एक प्रकार से ये विरोध और आक्रोश जो एक प्रकार से किसी एक व्यक्ति में नहीं है, लेकिन हम लोग पितृसत्तात्मक जो हमारा समाज है उसको एक प्रकार से महिलाएं जैसे आगे बढ़ती आई हैं, एक चुनौती मिलता रहा है, और इस चुनौती को कुछ मर्द या उनकी मर्दानगी को ठेस पहुंच रहा है। उनको लगता है कि कई जगहों पर महिलाएं आ गई हैं जो जगह उनका होना चाहिए। अब इस ठेस का जो असर है, इस असर से एक प्रतिक्रिया, हिंसात्मक प्रतिक्रिया, जो हमें आजकल अखबारों में रेप की कहानियां, छोटे बच्चों की रेप की कहानियां सुनने में कभी, मैंने हर रोज आपको अक्सर सुनने को मिलता है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कहीं पर मर्दों का एक आक्रोश हम लोगों को पहचानना पड़ेगा।
अब इस आक्रोश से जूझने का तरीका केवल मात्र कानून नहीं हो सकता है। हम लोग कठिन कानून बनाने की बात कर रहे हैं। हमें अपने लड़कों को घरों में दूसरी तरह से एक नई शुरुआत, एक नई, मैं कहूँगा, जिसमें आप बचपन से एक एक प्रकार से श्रद्धा सिखाएं, केवल श्रद्धा नहीं, घर के हर काम में, मैं कहूँगा, लड़कों को अगर हम जारी नहीं करते, हम अगर बेटे और बेटियों में अंतर करते हैं कि बेटी तू जा ये काम कर और बेटा तू जा पढ़ने जा, ये नहीं चलेगा। हम लोगों को हर स्तर पे अगर इक्वालिटी की बात करनी है, ये घरों से शुरू होगा। रिश्ते बदलने पड़ेंगे। रिश्ते कौन से? भाई बहनों के बीच में रिश्ते, बाप माँ के बीच में रिश्ते, बाप बेटी के बीच में रिश्ते। हम लोगों ने बेटियों की बात बहुत की है जी। हमें बेटों को सुधारने की बात कहिए या बेटों को एक दूसरे तरीके से निर्माण करने की जरूरत है। उसके बिना टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात तो दूर रही। हम महिलाओं को जितना आगे बढ़ेंगे उतना हमको दूसरी तरफ से पुरुषों से एक पुशबैक मिलने की संभावना जी। बिल्कुल सही कहा आपने। ह्यूमन राइट्स को लेकर आपने काफी समय तक समाज में काम किया है, तो एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे महिलाओं? मैं तो मैसेज यही कहूंगा कि ह्यूमन राइट्स के लिए हमें सोशल जस्टिस की जरूरत है। और सोशल जस्टिस का अर्थ यह है कि समाज में हर तबके के बीच में एक सौहार्द, एक रेस्पेक्ट की रिश्ते हमको कायम करना है। और ये रिश्ता शुरुआत होता है घर में, शुरुआत होता है पितृतांत्रिक जो समाज है इसको बदल के जेंडर इक्वल समाज निर्माण करना। ये मेरा एकमात्र जो है मैसेज है। हम सबको गांठ बांधना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू। साइमा रशीद एक ऐसा नाम जिसने क्रिकेट में कश्मीर का ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। एक साधारण से परिवार से निकलकर बहुत सारे संघर्ष करते हुए इस लड़की ने क्रिकेट में कदम रखा और नेशनल लेवल तक क्रिकेट खेला। आज साइमा रशीद केवल लड़कों को ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी क्रिकेट की तरगीब दे रही हैं और ये खेल बाजाब्ता तौर पर सिखा भी रही हैं। मेरा नाम साइमा रशीद है, मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। प्रोफेशनली मैं क्रिकेटर हूँ। स्टार्ट मैंने किया 5 साल की एज में, जब मैं बिल्कुल छोटी थी, पता नहीं था क्रिकेट क्या चीज़ है। लोग बोलते हैं जेंटलमैन गेम है, लेकिन मैंने एक लड़की होके भी एक जेंटलमैन गेम चुन ली जिसको मैंने इस वक्त प्रोफेशन बनाया अपना। लेकिन ये समस्या ने जन्म कहाँ से लिया, कहाँ से इस बात की शुरुआत हुई, क्यों आज भी औरतों को जब वो सक्षम हैं अपने हकों के लिए लड़ना पड़ रहा है? अगर इस समस्या को देखें बचपन से ही, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हम अपने लड़कों को ऐसे ट्रेन करें कि वो बड़े होकर औरतों को सम्मान करें, उनकी रिस्पेक्ट करें और उनको बराबर का दर्जा दें, इसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। पहला घर से निकलकर जो बच्चा कदम रखता है वो स्कूल में रखता है, तो स्कूल में हमारी अध्यापिकाओं की एक अहम भूमिका बनती है कि वो हमारे लड़कों को लड़कियों के साथ कैसे घुल मिलकर समानता के साथ आगे बढ़ा जाए वो सिखाएं। इस ही मुद्दे पर बात करते हैं श्रीमती ललिता निजहावन से। ललिता निजहावन, मैं आपसे चाहूँगा आप स्टेज पर आए और हमारे दर्शकों से रूबरू हो और हमें बताएं कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में आपके क्या विचार हैं। मैम, ललिता निजहावन इज़ एन एंटरप्रेन्योर एंड एजुकेशनिस्ट। फिकी फ्लो के साथ उन्होंने काम किया है, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। मैम, आप हमें बहुत अच्छी तरह ये शायद समझा सकती हैं क्योंकि आपने सबसे निम्न वर्ग से लेकर हाईएस्ट स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी, रादर इंटरनेशनली, वुमेन के साथ बहुत काम किया है। किस तरीके से आप उनमें फ़र्क देखती हैं हर स्ट्राटा में? क्या ये समस्या एग्जिस्ट करती है या उसको देखने का नज़रिया हर जगह अलग होता है? देखिए, ऐसा है कि जो नज़रिया है यहाँ और बाहर देशों में फ़र्क है जी। जहाँ तक मैंने काम किया, जो चाहे मैंने यहाँ पे इंडिया में ट्राइबल एरियाज में, चाहे विलेजेस में, चाहे मिडिल स्ट्रैटा, यूनिवर्सिटीज़ higher up in the society, similarly over there the same way. ऐसा देखने को मिला है कि Indian women are much better placed. ये मेरा इसलिए मानना है कि जब आप
दिल से दिल की बात वहाँ की हम लेडीज से कर पाए और पूछा उन ये सक्सेसफुल वेमेन जिनसे जब बात हुई उन्होंने बोला उनको बहुत मुश्किलें आईं और इधर जब हम लोग थे हमको वो मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा और इस चीज़ को वो भी मानती हैं। मैं मानती हूँ कि कुछ आंकड़े जब हम भी पढ़ते हैं उसमें ये दिखाया जाता है पर आज अगर आप अपने घरों में अपने आप विलेजेस में जो एक माता का स्थान आप अपने घर से लेके चलिए आपके घर में अगर वेडिंग कार्ड लेके भी जाती हूँ इंडियन सोसाइटी में आप मेरी अगर दोस्त हैं तो आप मुझे कहीं मैं आपको बोलूँगी तेरे को तो मैं बैठती हूँ वह पहले तुम्हारी माँ के पास जाके मैं ये कार्ड दूँगी। उसी प्रकार ऐसा देखने को बाहर नहीं मिलता। यहाँ पर वो खुद कंपेयर करते हैं कि किस प्रकार जब लड़की का जन्म होता है और जिस प्रकार फिर वो बड़ी होती है और किस प्रकार से उस लड़की को सामना करना पड़ता है जब उनकी मैरिजेस जो कि अब यहाँ भी आ रहा है पर यहाँ पे जो एक स्त्री का स्थान है वो बहुत ऊंचा है। ये मेरा मानना है। हाँ कुछ साल जरूर मैं मानती हूँ हमारे बीच में हमारी भारतीय संस्कृति में जो कुछ दौर ऐसा आया कि हमारी विमेन को सफ़र करना पड़ा और हम सब उस बारे को जानते हैं और समझते हैं परंतु उससे पहले जाइए स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा था चाहे वो पढ़ने के लिए भी अगर आप पुराने स्क्रिप्ट्स को खोलिए पढ़ने के लिए आज अगर विमेन के लिए वी आर गोइंग आउट टू स्टडी इवन विमेन वेंट आउट व्हेन दे वर यंगर और टू डिफरेंट प्लेसेस टू स्टडी आपके वेद भी लिखे गए हैं इसलिए और लड़ाई जब हुई बीच में तब भी हमारी विमेन आगे बढ़ी। But ma'am, to take what you are saying forward, is it a dichotomy that on one end we are definitely becoming more progressive, more modern, but yes. back then women had this liberty to even choose a spouse. Yes. But today, even though she's working, she's going out, but still at the end of the day, she's the one who's going to come back home, cook for kids, take care of them, not a man. Sure, I agree with you, but now you see, aap us daur se nikle hain jo ki bahut tough daur nikla tha. Ji. शायद मैंने वो दौर कुछ हद तक अपने ऊपर भी देखा बट वी मेड इट वी आई गॉट प्रेजिडेंट्स अवार्ड वी मेड इट वी हैड टू फाइट इट आउट बट आज तो एक लड़की के पास एक पूरा आपके लिए सब कुछ खुला पड़ा है कि आप कुछ भी आपके सपने हैं आंख बंद करके सोचिए जो सपने आपके हैं आप वो पहुँच उस तक पहुँच सकते हैं उसको महसूस कीजिए और आपको सपोर्ट देने के लिए आज सब खड़े हैं चाहे आपके घर के वो पिता हैं या आपके भाई हैं चेंज बहुत आया है। मैम क्योंकि आपने बहुत नीचे तबके में भी काम किया है तो जो आप बात कर रही हैं क्या ये सिर्फ सिटीज़ तक सीमित है क्योंकि हिंदुस्तान दिल्ली बम्बई नहीं है हिंदुस्तान जो छोटे कस्बों में लड़कियाँ रह रही हैं क्या उनको ख्वाब देखने का भी उतना ही हक है? बिल्कुल है और वो कर भी रही हैं जी। मैं ट्राइबल एरियाज़ में जहाँ पे लड़कियों के स्कूल खोले गए मैंने खुद उनको स्टार्ट किया मैं 80s और अब मैं फ़र्क बता रही हूँ आपको जी, जी। वहाँ पर जब मुझे उन लड़कियों से उनका एक ही उन्होंने मुझे बोला 10th की वो लड़कियाँ सारी लड़कियाँ मेरे आसपास आके उन्होंने कहा मैडम आपने इतना किया हमारे लिए ना ये जरा लैब भी बनवा दीजिए। मैंने कहा आप क्या बनना चाहती हैं? बोले हम डॉक्टर बनना चाहती हैं। इसलिए आप कुछ फिगर्स शायद बहुत कम्युनिटीज़ को लेके हम बात कर रहे होते हैं मैं जनरल जो इंडियन आप छोड़िए लड़कियों की बात एक जो विलेज के अंदर एक बड़ी माता भी होती है उसके पास जाके अगर पूछे ना ये बीज या आप बताओ कि ये बीज ये इस उपजाऊ अगर होंगे या नहीं तो उन्होंने कहा वो लेडीज़ पहचान पाती हैं उनकी वो एक उस विलेज के माना जाता है। आप चीज़ को नेगेटिवली ना सोचें मेरा तो ये कहना है आकाश में उड़े। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर और काफ़ी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं हमारे देश के अंदर गली गली मोहल्लों में कैंपेन चलाए जा रहे हैं आप काफ़ी समय से देश में एक समाज सेविका के रूप में काम कर रही है उस दौर के ज़माने में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आखिर क्या परेशानी आती थी और आज के ज़माने में कितनी सुविधा जो सरकार है वो दे पा रही है महिलाओं को आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए इस टाइम और कुछ ऐसे हालात भी हो जाते हैं जब हमको पर आज मेरा जहाँ तक ख्याल है लड़कियाँ खुद भी सक्षम हैं अपने आप को संभाल सकती हैं
बहुत एक्सपोज्ड हैं और उनको सब तरह से उनको एक सारे सोसाइटी उनके हाथ खड़ी हुई है, परंतु दूसरी तरफ भी हम देख रहे हैं कि आक्रोश है, उसको भी लड़की आज संभाल सकती है, किसी से कम नहीं है आज की लड़की। और ना मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि लड़कियाँ अब कमज़ोर किस लिए, आप तो दुनिया को पा सकते हो, कॉन्कर द वर्ल्ड नाउ, द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर स्पीकिंग टू अस। थार की ऐसी नारी शक्ति जिसने बदल डाली 75 गांवों की 22,000 महिलाओं की जिंदगी। अभावों में पली, संघर्षों में तपी रूमा देवी कभी लाती थी 10 मील दूर से पीने का पानी, आज 7 समंदर पार फहराती है अपनी कला का परचम। ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान ने जगाई ऐसी अलख कि जीत डाले टेक्सटाइल फेयर सहित कई अवार्ड। केबीसी ने दिया मंच तो राष्ट्रपति के हाथों मिला नारी शक्ति सम्मान। नमन महिला सशक्तिकरण को तो अभिमान नारी शक्ति पर। मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज के टाइम में लड़का लड़की एक समान, क्योंकि दोनों ही समाज के मुख्य धारा है। मैं बाड़मेर के 75 गांवों में 22,000 महिलाओं के साथ में रोजगारी का काम कर रही हूँ, जो उनको रोजगार मिले। जो गांव में दूर दूर ढाणियों में जो महिलाएं रहती हैं, उनके पास में इनकम का कोई सोर्स नहीं है, उन महिलाओं को जोड़ के उनको काम से जोड़ा है, जो उनके बच्चे पढ़ सके और उनके घर की आर्थिक स्थिति है जो सुधर सके। यही हमारा उद्देश्य है कि महिलाएं सक्षम हो। अगर 22,000 महिलाएं सक्षम होती है तो ये 22,000 महिलाएं नहीं, ये 22,000 परिवार सक्षम हो रहा है, कुटीर उद्योग से जुड़ रहा है तो एजुकेशन से भी जुड़ रहा है, ऐसे ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा, यही हमारा उद्देश्य है। पानी के जहाज हम सबको रोमांचित करते हैं। अंजलि बोरा एक ऐसी महिला उद्यमी हैं जो असम में जहाज निर्माण के काम को विशेषज्ञों की सहायता से कुशलता पूर्वक कर रही हैं। अंजलि अपनी मेहनत और जज्बे से उस मकाम पर हैं जहां उन्होंने कई लोगों को रोजगार भी दिया है। इसके अलावा अंजलि के कई शौक हैं और उन्होंने उसे व्यवसाय का रूप भी प्रदान किया है। मेरा जहाज का पेपर मेरा हस्बैंड का था, वो अभी नहीं रहा, एक्सपायर हो गया 2010 में। उसके बाद मेरे ऊपर चैलेंजिंग आ गया, वो बिज़नेस कैसे मैं आग बढ़ाऊँ, तो मेरे बच्चों के लिए तो मैंने ये जहाज़ का बिज़नेस 2011 से मैंने स्टार्ट किया। अभी तक मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ और मेरे साथ 30 आदमी यहाँ पे काम कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि औरत के लिए, और ये पुरुषों का बिज़नेस है। एक्चुअली पुरुष औरत का कोई भेदाभेद नहीं, लेकिन ये बिज़नेस बहुत टाफ है, लेकिन मैं अभी तक बहुत खुश हूँ ये काम करके, क्योंकि टाफ है, अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ और आगे भी बहुत काम करना है मुझे। इट इज़ इंडीड डिलाइटफुल व्हेन वी हियर सच वर्ड्स। सच में अगर लड़की चाहे, आज की बेटियाँ चाहें, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। और उम्र के सामने जनरली देखा गया है कि लोग बहाने बनाने लगते हैं कि अब आप उम्र दराज हो गए, आप घर में बैठिए, भगवान का नाम लीजिए, पोता पोतियों को खिलाइए, लेकिन आज वो समय नहीं रहा। हमारे साथ आज एक ऐसा कपल है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, ना कि खुद का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का। दे आर दी Only couple from India probably who are oldest ever to climb Mount Everest. We are delighted to have Sangeeta Sindhi BAHL and Ankur BAHL ji with us. जी, ये है Sangeeta Sindhi BAHL और Ankur BAHL, जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। देश के कोने कोने में इनका नाम हुआ और देश में जिस तरह की इन्होंने मिसाल कायम की है, एक अलग मैसेज एक महिलाओं को मिला है, हर एक पुरुष को भी मिला है। बहुत बहुत स्वागत इनका एक खास कार्यक्रम में, मैं इनको मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये ख्याल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का आपको आया कैसे? सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने इनसे शादी की थी जी, अब काफ़ी साल हो गए तो शादी के टाइम इन्होंने मुझे पूछा था कि आपको इस शादी में क्या चाहिए, तो मैंने कहा था जो आप करोगे मैं वही करूँगी, तो जेंडर इक्वालिटी तो उसी दिन शुरू हो गई थी। बहुत बढ़िया। एंड
We have also got to know that you have been the finalist in Miss India also at one point in time. That's from that vanity to keep yourself fit to this date when you have conquered Mount Everest. How has been your journey as a woman been? As a woman, I think I have always believed that it's possible. Yes. My mantra always has been nothing is impossible. So usi cheez ko leke meri puri zindagi rahi hai. So age jaise aap baat kar rahe hain, age to kabhi maine socha hi nahi. Aaj bhi mere samne koi cheez aati hai to main sochti hu ha ye possible hai. Right. But jo Mount Everest ki hamari baat hai wo main Ankur se bolungi ki wo bataye because hum men ko involve kar rahe hain na usmein. sure. Yes sir. So what I want to say is that when I turned 50, I decided to climb Kilimanjaro, which was the highest peak in Africa. And over the breakfast table, just as if we wanted to go for a movie, I asked her, do you want to come to Kilimanjaro with me? She said, why not? And that's how our mountaineering journey started. So uske baad humko itna maja aaya because we had such a great time for a whole week when we were climbing. Yeah. Hamari ek bhi ladai nahi hui. And so then we decided, we came back and we said, now what? So maine socha ke theek hai, I want to do the 7 summits, which is the highest peak on each continent. Yeah. And after I started training, then Sangeeta also said that I also want to do it. So I said, why not? And it has worked out so well for us because we have supported each other. She has supported me when I've been wanting to climb. Though we've done some mountains together, and I have supported her whenever she wanted to climb, yes. And also do her other, things like business and work and anything that she wanted to do, it has allowed us to achieve our dreams mm-hmm. as far as climbing is concerned, and so many other things. Hmm. Today, Sangeeta is the oldest woman in India to climb Mount Everest, and with her support, I've also been able to climb. Though I have a full-fledged business. And I have become the oldest man in India to do the 7 summits, which is the highest peak on each continent. So ye sambhav nahi hota unless we had, support for each other. And I think this is one of the biggest messages I would like to give to the audience and to everybody who is listening to this program, that with each other's support in a relationship, in a marriage, you can achieve far more than you can if you are alone. Because if you have a similar passion like we do, then we are able to understand each other and progress further to the greatest especially heights. When we talk about sports, women have really come up and they have excelled. Absolutely. So what do you have to say about gender equality, probably not in your sport, but generally? I think if you see India, for example, women have progressed far more than men as far as sports are concerned. Mm. And this is... this is a great thing for to happen in India, which shows that there is indeed gender equality. In fact, I say there is no longer any gender inequality because women have progressed far further, beyond what men have done. Wow, kudos. So I think it's phenomenal. I mean, you see the silver gold medalist, the Sindhu won in the last Olympics, and the women are doing really well. So that's a great thing that's happening for India. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे मैसेज देना है कि जो सपोर्ट हमको मेन का चाहिए वेदर इट्स द फादर वेदर इट्स द ब्रदर ये सब चीज़ें लाइक अर्लियर स्पीकर सेड ये सब चीज़ें घर से शुरू होती हैं सो आई हैव अ सन सो आई एम रेजिंग हिम टू सी हाउ हिज मदर इज़ स्ट्रॉन्ग आई एम रेजिंग हिम टू डू एवरी थिंग दैट अ गर्ल डज इन द हाउस कि कल को वो बाहर जाके पढ़ता है इंडिया से जाता है बाहर तो ही सेल्फ सफिशिएंट एंड साथ में वो जब वो हम दोनों को देखता है हमारे टेबल पे बैठ के जो हमारी कॉन्वर्सेशंस होती हैं तो बच्चे क्या करते हैं दे एक्चुअली डू नॉट लिसन टू व्हाट यू टेल देम दे सी व्हाट यू आर डूइंग एंड देन दे इम्बाइब दैट सो बॉयज बाय फार the mothers have to be the role models. Right. The mothers have to be the role models and of course husbands have to be in tow, which I have kept him in tow. Jaise mujhe log, meri friends poochti hain ke acha aap climbing ja rahe ho to ghar ka kaun khyal rakhta hai and all. So I have trained my husband to do housework as well, which is important. Yes. Which is important. And for everybody who's listening to us, everything is possible. एक दूसरे के सपोर्ट से जेंडर इक्वालिटी क्या वी कैन विन द वर्ल्ड एज इंडियंस वी कैन गो फार मोर अहेड देन एनीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड जी बिल्कुल और जिस तरह से मोटिवेशन एक ऐसा वर्ड है जिसके बिना
किसी भी कामयाबी को पाना मुमकिन नहीं है, तो आपको मोटिवेशन आपके शुरुआती दौर में कहाँ से मिली? मैं बहुत छोटी उम्र से काम कर रही हूँ और आई कम फ्रॉम जम्मू, तो वहाँ बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी में आई वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, बट वहाँ मैंने देखा कि मेरी मदर वाज ऑलवेज इन द किचन या किड्स थे, मेरे छोटे भाई बहन थे, तो मैं वैसा नहीं करना चाहती थी. सो आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट, बट आई मूव्ड आउट ऑफ जम्मू एंड आई केम टू दिल्ली एंड आई पुल्ड माई पेरेंट्स ऑल्सो हेयर टू जम्मू, फ्रॉम जम्मू टू दिल्ली, एंड everybody in my family progressed. The motivation has come from learning. Yes. The motivation has come from good education. So girls, boys, everybody needs to be educated. Education hogi, awareness hogi, less rapes honge, because when they will understand that this is the right thing. I think the lower strata of society, jahan pe ye sab kuch ho raha hai, दे आर नॉट अवेयर कि क्या हो रहा है, उनको नहीं पता कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. तो एजुकेशन इज बाय फार, एंड मेरा मैसेज है कि इफ़ यू आर एजुकेटेड देन ईच वन टीच वन, अपना नॉलेज शेयर करो और मोटिवेट करो और बाकी लोगों को कि ये सब कुछ हो सकता है, आप सब कुछ पॉसिबल कर सकते हो, एंड द वर्ल्ड इज़ योर ओएस्टर. आजकल क्या नहीं आप पढ़ नहीं सकते, क्या प्रोफेशन ज्वाइन नहीं कर सकते. It's very interesting to learn about your journey. I'm sure the audience is also brimming with questions and wanting to ask some. Anybody from the audience, aap koi sawal puchna chahte hain? Education mein kya degreeyan lene se hi women empowerment ho jayegi? Education means kis tarah ki education honi chahiye jisse women empowerment ho sake? Ji. Acha, sabse badi baat hai ki education, basic right of education to sabke liye hai. To education means ki aap, you are able to survive. एक आपको जॉब का पेडेस्टल मिल जाए, बट आजकल एवरीथिंग इज़ अबाउट स्किल सेट. अगर आप एजुकेशन भी लेते हैं उसमें भी यू हैव टू ऐड ऑन स्किल्स एवरीवेयर टू प्रोग्रेस. जैसे नियरली 47 थी मैं जब इनके साथ किलिमंजारो गई, तो ऐसे ही नहीं चले गए, हमारा पैशन था, बट वी हैव टू प्रिपेयर. एजुकेशन के लिए भी यू हैव टू प्रिपेयर. अगर आपको कोई जॉब, यू हैव दिस जॉब इन माइंड एंड यू से कि ये मैं जॉब कैसे कर सकती हूँ, एम्पावर आप खुद ही हो जाओगे. वेन यू आर एजुकेटेड, यू गेट द जॉब, यू गेट द स्किल सेट्स, स्टार्ट रिसर्चिंग. माई हाउस अबाउट बींग अवेयर, लाइक शी सेड, प्रॉबेबली इवन इफ यू आर नॉट रीडिंग बुक्स, प्रॉबेबली यू कीप योर आईज इन ईयर्स ओपन एंड एब्जॉर्ब योर एटमोसफेयर टू प्रॉबेबली टेक यू फर्दर. कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. बिल्कुल ठीक. सो जब कोई चीज़ सीखनी होती है और आप अपने से ज़्यादा knowledgeable लोगों के साथ रहो, सो यू बिकम द कंपनी यू कीप. एंड व्हेन यू डू दैट, क्या होता है कि एक तो यू एम्पावर योर सेल्फ कि या आई एम लर्निंग समथिंग. माई हस्बैंड्स बीन ग्रेट सपोर्ट इन आर माउंटेनियरिंग अदरवाइज ऑल्सो. सो जब हम अपने प्लान कर रहे थे क्लाइंबिंग द सेवन समिट्स, सो ही वुड बी लुकिंग एट ऑल द लॉजिस्टिक्स, एंड बिकॉज आई एम एन इमेज कंसल्टेंट ऑल्सो, आई वुड बी लुकिंग एट कलर्स एंड ये वाला इसके साथ मैच करना है. So the support system and again the knowledge, we have been able to lend to each other our knowledge where he has progressed in a certain way and I have. Likewise, when now he's going to North Pole in April, and so you know I look after the house like a support system. Right, right. And then he doesn't have to worry, he knows that she'll look after. And likewise, I go in August now, and he will do the same. So support is very important, awareness, and aap kuch bhi aaj kar sakti hai, main keh sakti hu. Aur age kabhi barrier nahi honi chahiye ki aaj main itne saal ka ho gaya hu ya ho gayi hu, ab khatam ho gaya. No pota poti for us right. Well, now. Thank you so much indeed. No. Looking at you, we think more power to you, and please keep climbing and please keep inspiring a lot of women around. Thank you so much. सबसे पहले एक माता पिता का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों में, एक बेटे में एक बेटी में फ़र्क ना करे. बार बार जो लोगों की इच्छा होती है कि मुझे बेटा चाहिए, फिर बेटा है तो उसको हम अच्छे स्कूल में डालेंगे या बेटी है तो उसको बहुत ही मतलब कम पैसे वाले स्कूल में डालेंगे, तो ये मानसिकता यहीं से शुरू होती है. जब एक माँ ही अपने बच्चों के साथ मतभेद कर देती है तो निश्चित तौर पर समाज करेगा. कहीं ना कहीं हम मुझ जैसे बहुत सारे युवा हो गए आगे चल के माता पिता बनते हैं, ये अपने दिमाग से ये चीज़ें एकदम निकाल दें तो आने वाली पीढ़ी अपने आप बदल जाएगी. और समाज में जो ऐसे सेलिब्रिटी या फिर जो ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा बुद्धिजीवी हैं,
उनको अपने आसपास ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि जो बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ कि बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ हैं कि बेटे को तो बहुत सारा पढ़ाया और बेटा निकल गया विदेश, और बेटी को कुछ नहीं पढ़ाया, बेटी पास के ही गांव में शादी कर दी गई। जब भी माँ बाप बीमार होते तो बेटी आकर ही उन माँ बाप को संभालती है। ऐसी स्टोरीज़ उनको बता बता करके ये चीज़ें हम अपने आसपास अपने घर में कहते हैं कि बदल सकते हैं इस सोसाइटी को, इस समाज को। डॉक्टर कंचन गाबा एक पर्वतारोही हैं जिन्हें उनकी अनुपम उपलब्धियों के लिए वर्ष 1994 और 2011 में दो बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्टेट गर्ल गाइड मेडल से भी सम्मानित किया गया है। दिव्यांग कंचन ने देश भर से लगभग 600 से अधिक सामान्य जन को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने में सफलता पाई। वर्ष 2011 में कंचन गाबा को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुशंसा पर रोल मॉडल अवार्ड प्रदान किया। मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ, आइए हम सब मिलके एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ किसी भी लड़की को कोई भी विपरीत परिस्थिति का सामना ना करना पड़े, और एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ हर लड़की अपनी काबिलियत के अनुसार अपने आप को विकसित कर सके, सिर्फ लड़की होने के कारण वो पीछे ना रह जाए। जो बहनें मुझे सुन रही हैं उनको मैं अनुरोध करना चाहूँगी, थोड़ी सी हिम्मत करके आप घर से बाहर आइए, देखिएगा हजारों लोग खड़े हैं आपको मदद करने के लिए। और जो माता पिता मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ, आप अपने लड़कों को जैसा अवसर देते हैं अपनी लड़की को भी उतना ही अवसर दीजिए। अभी जैसे हमने इनकी जर्नी की बात सुनी, कहानी सुनी, इसमें एक बहुत की फैक्टर था हेल्थ, क्योंकि ये लोग फिट थे। आजकल गांव में या फिर शहरों में भी औरतें लगातार परिवार का ख्याल रखती रहती हैं और ख़ुद को कहीं भूल जाती हैं, ऐसे में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि महिला एक ऐसा पहिया है जिसकी वजह से पूरे परिवार की गाड़ी आगे बढ़ती है, अगर वो पहिया स्वस्थ नहीं होगा तो परिवार भी कुछ हद तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। आइए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर उमा कुमार को और उनसे जानते हैं हेल्थ का ख्याल कैसे रखा जाए महिलाओं की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ये फेलो मेंबर रह चुकी है और काफ़ी समय से इस संगठन में ये जुड़ी हुई है, और संगठन में जुड़ने के साथ साथ काफ़ी क्षेत्रों में इन्होंने काम भी किया। आइए इनसे जानते हैं कि जेंडर इक्वालिटी को लेके इनका क्या कुछ कहना है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग ई पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। मेरे लिए जेंडर इक्वालिटी इज़ गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू द वुमेन एज इट्स फॉर मेन इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ, be it decision making, yeah, be it professional choice, partner choice, education, and there are lots of things, right? But what I feel is not about pushing someone out of your sphere, balki we are complementary, men, yeah, and women, they are no different, right? And if we want a complete healthy happy society, we have to complement each other, there's, yes, no doubt about it, राइट? तो मैं ये सोचती हूँ जैसे हमें एक सोच बदलनी है, और वो सोच धीरे धीरे करके बदलेगी, और उसकी शुरुआत घर से होगी, जो हम पहले भी सुन चुके हैं। और हम सिर्फ हमारी आँख बंद कर लेने से कि हम बराबरी पे आ गए हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी की बात करते हैं, नॉट द माइनॉरिटी, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन है वो सब उन समस्याओं से जूझ रही है, और जो उनसे निकल चुके हैं उन्हें रास्ता दिखाना है उन्हें उन प्रॉब्लम से बाहर आने का। और एजुकेशन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जरिया है। एजुकेशन के बजाय मैं शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगी अवेयरनेस, जहाँ ये पता है, उनको ये एहसास दिलाना महिलाओं को कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आप में हैं, यू आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, एक बार में बहुत सारे काम एक महिला कर सकती है,
पुरुष नहीं कर पाता। मैम, जैसा आपने कहा, वुमेन हैव द एबिलिटी टू मल्टीटास्क मोर देन मेन प्रोबेबली। ऐसे में वो अपनी सेहत का खास ख्याल रखें जिससे वो इतने सारे रोल्स को सही तरीके से निभा पाएं। आप कुछ ऐसे टिप्स लेडीज़ को देना चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में प्रोबेबली ये चीज़ें इख्तियार करें जिससे एक हेल्दी जीवन व्यतीत कर पाएँ? जी बिल्कुल। घरों में क्या होता है कि जैसे खाने की भी बात आए तो वो पहले सबको खिला देते हैं घर में, फिर जो बचता है वो खाते हैं। एक तो उससे कम खाना भी हो सकता है, न्यूट्रिशन कम होता है उनके डाइट में। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा बच रहा है तो वो सोचते हैं इनको क्या फेंकना, फूड वेस्ट नहीं करना है, तो एक्स्ट्रा खा लिया, चाहे वो हस्बैंड की प्लेट से हो या अपने बच्चों के प्लेट से हो। तो इसका नतीजा ये निकलता है, एक तरफ तो वो डेफिशियंट हो सकती हैं न्यूट्रिशन में, दूसरी तरफ वो ओबीज हो सकती है, ओवरवेट हो सकती है। तो उस और दूसरे जो उनके काम करने का तरीका होता है घर में, वो भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है जो उनको जानने की, इस इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू नो दैट बैठना उठना कैसे है, नींद बहुत ज़रूरी है, एक टाइम प्रॉपर स्लीप हाइजीन जो हम कह सकते हैं। इसके अलावा बैक पेन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो विमेन में होती है, जो कि न्यूट्रिशनल डिप्लीशन से भी होती है। जब हम कह देते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, फ्रैक्चर रिस्क इंक्रीज हो गई, फॉर थिंग्स लाइक दिस ऑस्टियोपोरोसिस एंड प्रॉब्ली नी प्रॉब्लम्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स बहुत आम बात है जो देखी जाती है। जैसे जैसे उम्र दराज होती है ये चीज़ें उनको ग्रस्त करती हैं। इसके लिए क्या ऐसे मेजर्स हैं वो जीवन में जो लें कि ये उनसे परेशान प्रॉबेबली लेटर ईयर्स में या जब एज हो जाए ना हो? उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शुरुआत से ही अपने बेटियों को ये बताएं कि एक हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है जी, राइट। उसके बाद अपने चलने फिरने का तरीका, कैसा फुटवेयर यूज़ करना है, राइट और बाद में जाके अपने आप को कैरी कैसे करना है वो जानना ज़रूरी है। जैसे मैं कहूँगी आलती पालती मार के स्कॉट में बैठने से नीज़ की प्रॉब्लम इंडियन वुमेन्स में बहुत ज़्यादा मिलती है। और इसके अलावा बाद जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि जो वुमेन है उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा रोबस्ट होता है। तो आपने देखा होगा जो इन्फेंट मॉर्टिलिटी है वो मेल मॉर्टिलिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फीमेल। तो जब वो इम्यून सिस्टम एबरेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स, तो उनको ऑटो इम्यून डिजीजेस होने की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आजकल स्मोकिंग का प्रचलन भी महिलाओं में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और तो वो बिल्कुल स्टॉप करना चाहिए, और बल्कि मेल्स को भी कहना है कि आप स्टॉप करें, उससे सारे आर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा वी आर क्लीनिनेस फ्रीक, कि हमें आपके आसपास का वातावरण साफ रखना है, तो उसमें क्योंकि इन्फेक्शंस का रेट बढ़ रहा है उससे भी आर्थराइटिस की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा घर में ध्यान रखना है कि वैक्सीनेशन, आजकल एडल्ट वैक्सीनेशन की भी बात करते हैं, तो उसके बारे में उनको जानकारी देकर उसके लिए भी बताना है जिससे वो अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें। इसके अलावा महिला दिवस को लेकर इस खास मौके पर आप महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं कहना चाहूँगी कि आप पॉजिटिव रहें, अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानें, Be confident and you can conquer the world. Thank you so much, ma'am, for speaking to Thank us. Thank you. वे ट्रैक्टर चलाती हैं, वजनदार मोटरसाइकिल भी चला सकती हैं, और मजदूरों के साथ मिलकर खेती के कामों में उनकी मदद भी करती हैं। जमीन तैयार करने से लेकर बुआई रोपाई आदि में भी सिद्धहस्त हैं। वे हैं बाली पटना की बाबुनी साहू। जय किशन। मेरा नाम है बाबुनी साहू। हमारा घर बाली पटना ब्लॉक में है। मेरे पिताजी एक किसान थे, इसलिए बचपन से ही खेती में मेरी रुचि थी। तीन विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर चुकी बाबुनी ने नौकरी के पीछे ना भागकर खेती को अपने पेशे के तौर पर अपना लिया है। मैं राजनीति विज्ञान जर्नलिज्म और एमएसडब्ल्यू में पीजी किया हुआ है। लॉ भी मैंने की है। 9 बार मैंने राज्य महिला क्रिकेट खेलने के बाद भी मेरी पहचान एक किसान की है। खरीफ और रबी दोनों ऋतु में वे धान की खेती करती हैं। बीज बोने से लेकर अंकुर को खेत में बोना, खेत से खरपतवार निकालना और अंत में फसल काटने तक के सभी कामों में
वे खुद भाग लेती हैं। एक पढ़ी लिखी लड़की होकर उनका मिट्टी में सनकर खेत का काम करना सभी को आश्चर्यचकित करता है। दूसरों को अन्न दे पाती हूँ इस बात पर मुझे नाज है। इसीलिए चाहे आप जितनी भी पढ़ाई करो, खेती से परहेज मत करो। साल भर बाबूनी अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां भी उगाती हैं। उनका एक बड़ा केले का खेत था। केले की खेती से उन्हें अच्छा फायदा होता था, पर पिछले साल आए फनी तूफान ने उनके केले के खेत को उजाड़ कर रख दिया। एक बार फिर से धीरे धीरे उन्होंने केले की खेती शुरू की है। खेती करने से उन्हें आत्मसंतोष की प्राप्ति होने के साथ साथ कुछ और लोगों को काम दे पाने के कारण एक खुशी मिलती है। मेरे पास 14 एकड़ जमीन है। मैं धान, केला और बहुत सारी सब्जियों का फसल करती हूँ। मैं खुद सब काम करती हूँ और 5-6 लोगों को भी काम पे लगाई हूँ। पुरुष प्रधान समाज में एक नारी होकर इतना कुछ करते हुए उन्होंने एक अनोखी मिसाल पेश की है। उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया है कि सुविधा, अवसर और साहस भर देने पर एक नारी भी हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकती है। मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि वे बेटियों का आदर करें। ऐसा होने पर लड़कियां सभी क्षेत्र में आगे आ पाएंगी। इसलिए कन्या संतानों का आदर करें, उन्हें लाड प्यार से पालकर, पढ़ा लिखा कर आगे पढ़ने में मदद करें। एक ना एक दिन वे बाबूनी की तरह चिराग बनकर घर को रोशन कर सकती हैं। ओडिशा की जीवन रेखा है हम 3 बहनें हैं, हमारा एक छोटा भाई भी है। पिताजी का तबीयत खराब होने के कारण हमारी परेशानी बहुत बढ़ गई, इसलिए मैं नाव चलाने के लिए मजबूर हो गई।
दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान भारतीय संविधान के संविधान सभा में 15 महिलाओं का अमूल्य योगदान रहा। ये महिलाएं हैं अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणानी वेला युद्ध, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बैनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित और एनी मास्कारिन। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में तो निरंतर प्रयास करना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन कभी मन में ऐसा ख्याल आ जाता है कि इसके पार शायद मैं ना जा पाऊं। लेकिन अगर आप उस बाधा को तोड़कर आगे बढ़ें तो कुछ भी करना पॉसिबल है। इसी विषय में बात करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं मुक्ति श्रीवास्तव जी, हु इज द फर्स्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ इंडिया बींग अ वुमन। मैम वेलकम। थैंक यू। जैसा कि हमें पता चला कि बचपन से ही आपको यूनिफॉर्म से बहुत लगाव था और बड़े होकर यूनिफॉर्म पहनने का बहुत शौक था, पर इसके बीच कुछ अड़चने भी आईं, लेकिन आपने उसको लांघकर अपने इस ख्वाब को पूरा किया और देश की पहली वुमेन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनी। इस जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। ओके, सो व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू आइडलाइज किरण बेदी, सो दैट वाज द टाइम शी वाज द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर। सो उनको देखती थी तो लगता था कि इतनी अच्छी लगती हैं ये यूनिफॉर्म में, इतना इनके पास अथॉरिटी है, पावर है, एंड शी इज़ सर्विंग द नेशन। तो उस टाइम से मुझे लगता था कि कैसे भी ये यूनिफॉर्म पहननी है। बट व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, उस समय पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट गेव दिस कि ओके वेमेन कैन जॉइन आर्म फोर्सेस टू, सो आई वॉज डिलाइटेड। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आईपीएस का, पहले मैं सोच रही थी कि ठीक है वेमेन आर देयर बट इन एयरफोर्स दिस इज द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो दैट वॉज द टाइम व्हेन आई थॉट ओके आई विल जॉइन एयरफोर्स। एंड उस समय पे वैकेंसीज, व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन आई अप्लाइड, गॉट स्क्रीनिंग, एवरीथिंग, गॉट सिलेक्टेड। तो उस समय पे एयरफोर्स ने वैकेंसीज निकाली एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग, जो कि फर्स्ट बैच होता लेडीज़ के लिए। आई अप्लाइड फॉर दैट, गॉट सेलेक्टेड, एंड माय मेडिकल वाज डन, एवरीथिंग क्लियर। आफ्टर दैट, फ्यू डेज आफ्टर दैट, आई वाज गिवन अ लेटर, मींस तब पोस्ट से आता था कि दीज वैकेंसीज हैव नॉट बीन अप्रूव फॉर वेमेन सिंस दिस इज़ अ वेरी हाई प्रेशर जॉब एंड योर कैंडिडेट इज हेयर बाई कैंसिल। And that came as a shock to me. तो मैंने सोचा ये तो ऐसे कैसे पूरा साल वेस्ट कर दिया, जनवरी से लेकर के एप्लीकेशन दी, फिर जून में SSB किया, उसके बाद मेडिकल किया नवंबर में, अब दिसंबर में लेटर आ गया, पूरा साल ऐसे वेस्ट कर दिया, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो आई सेड ओके, मैंने पेरेंट्स से बात की, माई फादर एंड माई मदर ऑलवेज स्टूड बाई मी, उन्होंने बोला कि ठीक है। इन द मीन टाइम वॉट हैपेंड आई डेंट टेल यू, मीन्स आई वॉज 22 दैट टाइम। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि चलो तुम ये एग्ज़ाम तो देती रहो, बीच में मैरिज के लिए दे सेट की, इफ़ दे अग्री, देर वॉज अ बॉय हु मीन्स दे वर इंटरेस्टेड। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है, अगर ये लोग एग्री करते हैं तो ठीक है, वील डू द एंगेजमेंट सेरेमनी। दे सेट ओके, वेरी नाइस, वी आर ओके विद इट, एंड इफ़ शी इज़ गिविंग एग्जाम, उन्होंने सोचा कि सिलेक्शन इलेक्शन होता नहीं है किसी का, तो होगी तो है नहीं, ठीक है हम बोल देते हैं, बहुत अच्छा भी लगेगा सबको कि हाँ हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो दे सेड कि ठीक है तुम देती रहो एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में हम एंगेजमेंट कर लेते हैं। दैट वाज इन समवेयर इन जुलाई एंड देवर इन देहरादून। तो देहरादून में ही SSB था मेरा। दे सेड हम मेरठ आके, आई वाज स्टेइंग इन मेरठ दैट टाइम, तो हम मेरठ आके खुद लेके जाएंगे और इसको पूरा SSB दिलवाएंगे। तो वी वर वेरी हैप्पी, कितने सपोर्टिव हैं, सब कुछ है। तो 5 days व्हेन एवरीथिंग हैपेंड, उन्होंने सोचा अभी बाहर हो जाएगी, फर्स्ट डे स्क्रीनिंग में नहीं हुई, फिर उन्होंने कहा चलो 4 दिन और हैं, उसके बाद तो बाहर हो ही जाएगी, नहीं हुई सेलेक्टेड। देन उन्होंने लगा कि अब तो ये लगता है कि सेलेक्ट हो ही जाएगी, तो दे सेड कि नहीं, इधर यू जॉइन एयरफोर्स और यू गो फॉर द मैरिज। माई पेरेंट्स सेड कि तुम्हारी जो मर्जी है तुम करो, वी आर विद यू। तो उन्होंने कहा नहीं, वी वॉन्ट गो अहेड विद द मैरिज, ये ज्वाइन कर रही है, या फिर एयरफोर्स वाले किसी लड़के से शादी कर लेगी और हमारे लड़के को छोड़ देगी। तो हम वी डोंट वॉन्ट गो अहेड। राष्ट्रीय स्तर पर भी आप बैडमिंटन की खिलाड़ी रह चुकी हैं। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों के सामने आप वो पल भी कुछ साझा कीजिए। हाँ, तो मैं बचपन से खेलती भी आई, मेरे पापा भी बैडमिंटन प्लेयर ही थे और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मैं
जब बीएससी में थी तब मैंने ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी खेला 3 बार और नेशनल चैम्पियनशिप में भी गई, यूपी को रिप्रेजेंट किया, और बल्कि लास्ट ईयर अभी मैं ऑल इंडिया मास्टर्स भी खेली और उसमें आई हैव वन विच हैपन इन गोवा. और अभी भी ट्रू वुमन, यू केप्ट ऑन, यू नो, यू केप्ट ऑन परसिस्टिंग. आप अपने गोल को नहीं भूली और आप उसके, आपने वो तो हमेशा होना ही चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. और शायद औरतों में ये क्षमता होती है कि अगर एक बार सोच लें तो उस चीज़ को पूरा करके छोड़ती हैं. आपने मुकदमा तक कर डाला. हाँ, तो जब मैं बता रही थी आपको दिसंबर में लेटर आया, इट केम एज अ शॉक, तो फिर मैंने आई डिडंट टेक इट हैंड्स डाउन और मैंने फिर हाईकोर्ट में केस किया. उस समय पे ये सब इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था 94 में, तो बिकॉज वी वर इन, मेरा दिल्ली में केस करना है, तो जो पहले येलो पेजेस वाले आता था उसमें सेलेक्ट किया कि कौन सी एडवोकेट करनी है, ये वो करके देन आई सिलेक्टेड मिसेज इंदु मल्होत्रा वॉज माई एडवोकेट दैट टाइम. शी इज़ नाउ जज इन सुप्रीम कोर्ट. तो उन्होंने ही मेरा केस फाइट किया. उन्होंने कहा तुम तो लड़की हो, तुम अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ और तुम, शी डिडंट बिलीव कि मैं कुछ करने वाली हूँ, बट देन ओके शी एग्रीड. और उसके बाद फिर वी वन द केस फ्रॉम हाई कोर्ट, देन एफओस वेंट ऑन टू सुप्रीम कोर्ट एंड द केस वॉज नॉट टेकन, इट वॉज रिजेक्टेड, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम द फर्स्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग ऑफिसर. मैम, दैट्स अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी फॉर श्योर. थैंक यू. लेकिन आज आपने रिटायरमेंट लेकर आप अपना सीएनजी पंप चलाती हैं और उसमें भी महिलाओं को ही काम करने का मौका दिया जाता है. बिल्कुल. सीएनजी स्टेशन जब मैंने लिया था 2002 में जी, आफ्टर लिविंग एयरफोर्स, तो उस समय पे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के थ्रू एक्स डिफेंस ऑफिसर्स को ये दिए जाते थे, तो मैंने उसमें डीजीआर के थ्रू अप्लाई किया और वो मुझे मिला. लेकिन उन लोगों ने जब दिया था तो मैंने देखा कि ये तो काफ़ी नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, ऐसे तो कुछ खास मज़ा नहीं आएगा. तो आई सजेस्टेड कि मैं इसको ऑल लेडीज़ सीएनजी स्टेशन बनाना चाहती हूँ, तो दे अप्रिशिएटेड द आइडिया एंड दैट्स हाउ इट बिकेम द फर्स्ट ऑल लेडीज़ फिलर्स. मैम, बीइंग एन ओनर ऑफ सच अ सीएनजी फिलिंग स्टेशन वेयर वुमेन आर वर्किंग, क्या यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की समस्या आपको देखने को मिलती है? देखिए, इनिशियली जब मैंने शुरू किया था वो, तब तो देखिए वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो सब ऑटो वाले, टैक्सी वाले टाइप के होते थे, तो इनिशियली वो देखने आते थे कि ये लड़कियाँ कैसे काम कर रही हैं, बट धीमे धीमे वो उस चीज़ को यूज टू हो गए और वो सब नॉर्मल डेली रूटीन हो गया. तो उसमें इनिशियली हाँ, दे वर हिकअप्स, बट देन एवरीबडी गॉट यूज टू इट एंड वी ऑल्सो मैनेज्ड टू कैरी ऑन. आपने मुकदमा लड़ा, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है. उस दौर में आपको किस किस परेशानी का सामना करना पड़ा था? वो परेशानियाँ जो थी वो ऐसे बताने से तो समझ में नहीं आएंगी, लेकिन उस समय पे क्योंकि आई वॉज़ ए स्टूडेंट, आई वॉज़ डूइंग माई एलएलबी, और मेरठ से दिल्ली अप डाउन करना इन इटसेल्फ वॉज़ अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि मेरे फादर वर्किंग थे, मेरे दोनों ब्रदर्स पढ़ रहे थे, बड़े भैया आईआईटी में थे, छोटा भाई मेडिकल कर रहा था. तो अब किसी का टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं करवाया जा सकता, मैं बोलूँ कि, और केस के लिए सब लोग, एवरीबडी वॉज पुलिंग मी डाउन कि ये तुम एफओस के अगेंस्ट केस कर रही हो, कैसे सोचती हो जीत जाओगी. मैंने कहा कोई बात नहीं है, नहीं जीतूंगी तो कोई बात नहीं, पर अपना केस तो कम से कम फाइट करूंगी. तो मैम, आपने एक ऐसा ख्वाब देखा जो शायद उस जमाने में लड़कियां सोचती भी नहीं थी या उनको पता भी नहीं होता था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता क्या है. हाँ. हमारी ऑडियंस में भी बहुत सारी लड़कियां हैं, प्रॉबेबली उनके भी कुछ ऐसे ड्रीम्स होंगे जिनके बारे में उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा, पर उसको कैसे वो पूरा कर पाए, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगी. बिल्कुल. कोई है? माई सेल्फ सोनिया फ्रॉम कन्या महाविद्यालय खरखोदा सोनीपत. जैसा कि मैम आपने कहा, आपका सपोर्ट मिला आपको, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट्स मिला आपको, मगर जिन लड़कियों को अपने पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता, जो लड़कियां मतलब सपने तो देखती हैं मगर पूरे नहीं कर सकती बगैर सपोर्ट के, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेरेंट्स का सपोर्ट मैं कहूँगी ज़रूरी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर बाई चांस नहीं भी है तो लड़कियों को हेड स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और होती भी हैं जनरली, जो आदमी लोग होते हैं उनसे ज़्यादा हेड स्ट्रांग होती हैं लेडीज़. तो अगर आपने अपना कोई गोल बना लिया है और उसको अचीव करना है तो आपको ड्रीम बिग एंड ओपन योर विंग्स, आई वुड से दैट. वेरी वेल सेड. एनी मोर क्वेश्चंस? मैम, माय क्वेश्चन इज, इन योर लाइफ यू मस्ट हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड इनइक्वालिटी, सो व्हेन यू वर डाउन इन योर लाइफ एंड यू हैड a low double phase thoughts. Probably. So yeah. what was in your mind and how did you overcome that thing? जिस समय मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था उस समय लेडीज़ नहीं हुआ करती थी, तो जो एयरमैन होते हैं वो लोग
उन लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी कि किसी लेडी से कैसे ऑर्डर्स लें. तो इनिशियली वो लोग मुझे बोलते थे कि बेटे बेटे वो. मैंने कहा नथिंग लाइक दैट. आई एम एन ऑफिसर एंड द पर्सन आई हैव टू टेक वर्क फ्रॉम हिम, सो इट कांट बी दैट. इनिशियली काफ़ी मुश्किल हुई उन लोगों को ये चीज़ समझाने में, लेकिन अगर आप सोच के कुछ चल दें कि इस तरह से ही मुझे अपना काम करना है और अपनी लाइफ इसी तरह से आगे बढ़ानी है, तो आप हमेशा बढ़ा सकते हैं. थोड़े दिनों में उन लोगों को यूज हो गए कि हाँ, हमारे जो बॉस हैं इस समय पे लेडी हैं और उनका काम करना ही है, जिस तरह से वो बोल रही हैं उसी तरह से करना है. और उसके बाद वो आराम से करने लगे, क्योंकि जितने दिन फिर मैंने उसके बाद काम किया तो हमेशा कोई दिक्कत ही नहीं हुई. वेल, थैंक यू सो मच मैम फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी वुमेन, नॉट ओनली हियर बट ऑल्सो द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग अस. थैंक यू. कार ट्रेनर तो आपने खूब देखे होंगे. आज आपको मिलवाते हैं पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला कार ट्रेनर, असम की दर्शना सेन गुप्ता से. लीक से हटकर दर्शना ने कुछ अलग करने की सोची और उन्होंने अपने हुनर से हजारों महिलाओं को कार चलाना सिखाया. दर्शना का सबसे ज्यादा जोर सेफ ड्राइविंग पर होता है. Hi, I am दर्शना सेन गुप्ता. I am the first lady car trainer from North East. मैंने अपना जर्नी शुरू किया 2003 से और अब तक करीबन मैंने 8000 के ऊपर को सिखाया. पहले मैं मुंबई में भी सिखाती थी, दो महीने मुंबई, दो महीने गुवाहाटी में सिखाती थी. लेकिन 2003 से मैंने अपना रैली स्टार्ट किया, क्योंकि मैं खुद जीती थी पुष्पक कार रैली और हॉर्नबिल कार रैली. उसके बाद 14 से मैंने अपना कार रैली स्टार्ट किया, इसीलिए मैं गुवाहाटी वापस आ गई. और अब तक जिनको मैंने सिखाया, मुझे मेरा एक ही काम है, उन लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना. गाड़ी में ईंधन डलवाने हम सब पेट्रोल पंप जाते रहते हैं, लेकिन आप किसी ऐसे पेट्रोल पंप को जानते हैं जो किसी महिला का हो? सोनापुर का ये पेट्रोल पंप नानू भट्टाचार्य का है. बहुत सारे सवालों और चुनौतियों के बीच नानू ने पेट्रोल पंप खोलने के सपने को साकार किया और आज ये बेहतर प्रबंधन के जरिए इसका सफल संचालन भी कर रही है. मैं पहले, मेरे को बहुत जन ने बोला था क्यों पेट्रोल का जो बिजनेस है यू क्यों, मतलब ये क्या है, चूज किया है. मैंने ये मतलब मर्द का काम है, औरत का काम नहीं है, लेकिन मैंने चैलेंज लेके ये काम करने के लिए मतलब ये कर रहे हूँ. मतलब ये मेरा चैलेंज है. प्रतिमा पोद्दार एक महिला बस चालक जिन्होंने 10 वर्ष पहले एम्बुलेंस चलाने से अपने ड्राइविंग करियर की शुरुआत की. इन्होंने ड्राइविंग की बारीकियां अपने पति सिद्धेश्वर पोद्दार से सीखी. 2013 से प्रतिमा हावड़ा नीमता रूट पर बस चला रही हैं. अपने सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रतिमा इस रूट पर चलने वाले यात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं. प्रतिमा पोद्दार को पूर्वी भारत में पहली महिला बस ड्राइवर होने का गौरव भी हासिल है. एवं नारी दिवस की शुभेच्छा जानाती हूँ. मैं पूर्व भारत की एकमात्र महिला बस ड्राइवर हूँ. अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस में मैं सबको कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में नारी पुरुष सभी समान है. मेरा अनुरोध है सब महिला को घर से निकल के शिक्षा लेना जरूरी है. भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां आजादी के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला हुआ है. शिक्षा का अधिकार सहित महिलाओं को कई मौलिक अधिकार मिले हैं, जिससे वो सशक्त होकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही हैं. भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो सेक्स रेशो का जो इम्बैलेंस हमारे कुछ राज्यों में देखा गया है वो मुद्दा ज़रूर सामने आता है. हालांकि कुछ हद तक इस समस्या पर हमने काबू पा लिया है, लेकिन अभी भी इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. क्या होता है जब हमारे समाज में महिलाएं बेटियां कम हो जाती हैं? क्या ऐसे समाज में अपराध बढ़ते हैं या क्या क्या इसकी प्रतिक्रिया होती है? हम बात करेंगे रवि कुमार वर्मा जी से इन सब मुद्दों पे. जी बिल्कुल. रवि कुमार वर्मा ने अपने जिंदगी में, अपनी निजी ज़िंदगी में काफ़ी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है. लैंगिक समानता को लेके काफ़ी कुछ कार्य किए हैं. लोगों में जिस तरह की मोटिवेशन इन्होंने पैदा की है वो अपने आप में एक काबिलियत तारीफ़ है. बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम इनका अपने इस खास मंच पर. तो पहला सवाल आपसे कि जेंडर इक्वालिटी को लेके आपका क्या कुछ कहना है? आप क्या मानते हैं कि लैंगिक समानता हमारे देश में कहाँ पहुंच चुकी है और पहले कहाँ पे थी? जी
थैंक यू। मेरा ये सोचना है कि लैंगिक समानता के मूल में पावर की एनालिसिस है, कैसे दो व्यक्तियों के बीच, समानता का मतलब दो व्यक्तियों के बीच में ऐसे संबंधों को स्थापित करना जिसमें कि कोई दूसरे से ऊंचा या नीचा ना हो, तो ये पावर को एनालिसिस, पावर की एनालिसिस है कि कौन पावरफुल है कौन पावरफुल नहीं है। और ये तभी आता है जब जब हमारे और जितने उम्मीदें हैं पुरुषों और स्त्रियों से, जो कि ये स्थापित करती हैं कि एक दूसरे से ज़्यादा सुपीरियर है, उसके जड़ को हम हटाने की कोशिश करें, उस इस सोच की को जड़ से हटाने की कोशिश करें। नाउ प्रॉब्लम ये है कि इसकी जड़ कहाँ है अगर हम देखें लैंगिक समानता की, तो वो कुछ हद तक तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स, जो स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके वो इन सोच को पैदा करते हैं। मूल्य जो हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये मूल्य कि स्त्री का कर्तव्य या स्त्री का दायित्व घर देखना, बच्चों को देखना और घर वालों का ख्याल करना, ये है, और पुरुष का है प्रोवाइडर प्रोटेक्टर का, ये इतना डिवाइडेड है, ये सोच इतनी ज़्यादा गहरी बैठी हुई है कि आप कुछ भी कर लें, मूल में जा करके यही उम्मीद की जाती है कि औरत चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, चाहे जितनी भी प्रोफेशनल हो, वो अंत में उसका मूल काम परिवार को देखना है और पुरुष का काम बाहर से प्रोवाइड करना, ये है मूल में। तो इसीलिए आप इसको मैं बताता हूँ आपको आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग कि हमारे देश में अगर आप देखें लड़कियां जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बहुत बढ़ा है, लेकिन उस जैसे साइंस टेक्नोलॉजी या मेडिकल कॉलेजेस में भी आप देखेंगे देयर इज अ वेरी ह्यूज इंक्रीज इन द एनरोलमेंट, लेकिन उनमें से कितनी प्रपोर्शन ऐसी हैं जो उसको कैरियर बनाती हैं, इसके ऊपर अभी हमारे पास यू नो वन नीड्स टू रियली लुक एट दैट, यू नो आप एंड इफ यू लुक एट द वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स औरतों में, तो जो 44% हुआ करता था कुछ समय पहले तक, वो घट करके 22-23% हो गया। और ये प्रोफेशनल औरतें, प्रोफेशनल हमारी जो स्त्रियां हैं वो जाती हैं प्रोफेशनल जॉब्स में, लेकिन वो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो बोझ को नहीं सह पाती तो वो ड्रॉप आउट कर जाती, क्योंकि उनसे अब ये बहुत बहुत ज़रूरी है इसको देखना इस नज़र से कि अगर उनसे उम्मीद ये की जाती है कि आप काम करें, आप इक्वल हैं, लेकिन आपका मूल काम ये है कि बच्चों का, परिवार का और केयर गिविंग, जिसे केयर गिविंग कहते हैं। सर, बिकॉज यू हैव वर्क्ड अ लॉट ऑन वुमेन एंड रिसर्च हैज अंडरटेकन अंडर योर विंग्स, अगर एक औरत बाहर जाकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है तो उसकी घर में क्या से बढ़ जाती है, क्या उसको सीरियसली लिया जाता है, या फिर आज भी ऐसे नकारा जाता है कि आप ठीक है घूम आइए लेकिन आके काम कीजिए घर का जैसे आप कह रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि किसी भी वर्किंग स्त्री के लिए अपने घर में अपना एक स्थान बनाना जी एक नेगोशिएशन है, ये इस बात से नहीं आ जाता कि वो काम करने लगी है, काम करने के बाद भी उसको ये सिद्ध करना पड़ता है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हम घर को अभी अच्छी तरीके से देख सकते हैं, तो वो एक सुपर वुमन बन जाती है। हाँ। वो सुपर वुमन बन जाती है। हर स्त्री जो कि पढ़ी लिखी और प्रोफेशनल है उससे हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं, उससे हम ये उम्मीद, ये अभी हमारे पहले वक्ताओं ने कहा कि पुरुषों का उसमें साथ देना चाहिए, अगर वो साथ देते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, और आई थिंक ये अपने आप में एक सपना है कि जब इस सोच को दो तरीके से बदलना होगा, एक तो पुरुष की सहभागिता तो चाहिए ही, लेकिन मूल्य बदलने होंगे कि लड़की जब भी हमारे पैदा हो वो केवल घर बनाने और शादी करने के लिए नहीं हुई है, और बाय द वे वो पढ़ भी सकती है और अच्छा काम कर सकती है, उसकी सोच भी होना चाहिए कि इसका मूल पर्पस इसका भी जो है इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन करना, एक इकोनॉमिक एंटिटी की तरीके से हम स्त्रियों और लड़कियों को नहीं देखते, मतलब अभी भी उस सोच में बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है। आप वही संघर्ष है, आप ये देखिए कि अभी भी स्त्रियों के लिए जो कि मेडिकल या हम तो साइंस टेक्नोलॉजी और मेडिकल फील्ड अगर आप देखते हैं तो उसमें स्त्रियाँ 14 से 28
8% ये इंडिया की समस्या नहीं, ये ग्लोबल है। जी जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन द प्रोफेशनल कोड लाइक स्टेम जिसे कहते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी और आपके मैथ्स वगैरह में, उसमें वीमेन आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन दैट नंबर, दे आर नॉट, आई मीन दे जस्ट गो देयर एंड देन दे ड्रॉप आउट। एंड इफ यू सी इन द वर्क प्लेसेज ऑल्सो, इन प्रोफेशनल वर्क प्लेसेज दे आर वेरी मैस्कुलिनाइज्ड, यू नो इट्स लाइक ओपन स्पेसेज आर वेरी मैस्कुलिनाइज्ड। सो मेनी many times there are subtle ways through which women get a message that this is not their place, and they have to prove to be, they have to have a conditionality to prove. So like we were talking in the beginning of the discussion about toxic masculinity, that a lot of men, they do give you a leeway, okay, step out, do whatever you want, but at the end I'm disliking it somewhere subtly, they also send that message. You said it, you know, you just said it, because then there is a line drawn. Yes. See, so it's a gender equality eventually means what is my tolerance to your equality. So it's always a condition apply for women. Yes, conditions apply. So I think we all have to do an introspection. All of us who are here, we need to really honestly look into ourselves to see, are we being charitable or are we changing ourselves? एक वर्ड यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का, अगर हमें इक्वालिटी के साथ अगर हमने अपने को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है हम अपने को मूलभूत तरीके से बदल रहे हैं, जो हमारी सोच में जब अगर मूलभूत परिवर्तन नहीं होगा तो हम केवल एक सतही स्तर पर हम इक्वल रहेंगे, हम काम भी करने देंगे लड़कियों को, लेकिन फिर उनसे ये भी उम्मीद करेंगे कि तुम काम करो और फिर भी अच्छी माँ बनो, अच्छी पत्नी बनो, और हम कहाँ पर वो रेखा खींचते हैं वो व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है, यू नो इट डिपेंड्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, आप काफी इट डजंट बिकम द नॉर्म। जी जी जी, आप काफी दशकों से जेंडर इक्वालिटी के लिए इस देश में काम कर रहे हैं, अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, अगर शुरुआती समय की बात करें आपके जहन में कैसे आए कि आप जाएंगे लोगों को समझाएंगे जेंडर इक्वालिटी के बारे में? जी मेरी यात्रा मेरे अपने, जैसे स्त्रियों को कहा जाता है कि उनका पर्सनल पॉलिटिकल है, मुझे भी ये लगता है कि पुरुषों का पर्सनल पॉलिटिकल होना चाहिए। हम लोगों ने एज ए पुरुष होने के नाते जितना सीक्रेट हमारे में है उतना शायद स्त्रियों के भी सीक्रेट नहीं रखते, पुरुष नहीं शेयर करते एक दूसरे से बातें। हम लोगों को सिखाया जाता है शुरू से रो मत, लड़के रोते नहीं हैं, तो रोने का मतलब क्या है कि जितना जो बोझ है इस सब चीज़ का हम उसको सह लें और पत्थर की तरीके से शक्तिशाली रहें, इसका कोई हम असर ना होने दें अपने पर, और उसकी वजह से हम इंट्रोवर्ट होते जाते हैं, हम अपने में ही सीमित होते चले जाते हैं, हम अपना ही सोल्यूशन निकालते हैं, हम उसी में घुटते रहते हैं। मेंटल हेल्थ की इश्यूज़, अगर सुसाइड रेट्स अमंग एडोलसेंट्स में आप देखिए हायर अमंग बॉयज देन गर्ल्स है, और 15-25 ईयर्स की एज में सुसाइड रेट्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फॉर बॉयज एंड मेन आर मच हायर, दे फील स्ट्रेस्ड इफ दे डोंट हैव अ जॉब और इफ दे हैव नॉट गॉट मैरिड ऑल्सो, यू नो इफ दे डोंट गेट द पार्टनर्स दे आर ऑल्सो, because they are expected to be married, they are expected to do the job, and if they don't then they have much serious problem as a man. So ye as a person, as a man, I have myself gone through an introspection when I was growing. I experienced that there are expectations which I am not able to fulfill perhaps, but should that make me less of a man, or can I still do things without adhering to what society expects me to be a powerful man? Can I be a powerless and be still a good man and be recognized and be respected? You know, that questions always worried me from my school days, because there were always better qualified boys, there were better, stronger boys around me, there were bullies around me, and they always carried the mark of being a boy. And those boys were being shaped into being a man. So I at some point felt that perhaps I'm not a man, you know. And then I began to question, is it necessary to have this label of being a man or woman? Very well said, sir. Because if we are on a continuum, then I think we must at one point begin to blur these boundaries. So it was almost about 15 years I worked in the HIV sector with transgenders and men who identify themselves as not completely men, and I saw how gender boundaries get blurred, and yet they are very respected and highly skilled people who are doing so well, and
So, you know, a lot of this work has to be embedded into your own personal experience. You know, anybody who talks about empowerment and equality has to have a personal connect. We heard so many personal stories here. You know, and therefore, and I tell you, there are more men who would talk about personal stories, which would be perhaps more of a patronizing and charity oriented, and women will talk from a position of disadvantage and making that ground up. Well, sir, it's so interesting to hear you, and I'm so glad that you spoke about so many varied topics. Badi khoobsurti se aapne bahut sari cheezon ko hame samjhaya. Humse baat karne ke liye bahut bahut dhanyawaad. Thank you. Wish you all a very happy Women's Day. I am an athlete and a triathlete, having done the Ironman, half Ironman, and run Comrades, which is an ultra marathon, and various runs in Mumbai, including the Tata Mumbai Marathon. I wish all you women should come out and run for your sports and for fitness, since there's a lot of gender equality happening, and there are women coming out in Pinkathon. There are many sports persons who are leading us and guiding us to do a lot of running and other sports that we take part into, and they are encouraging us. Also, the government is encouraging women to come out and to do a lot in the sports field. So once again, I wish all of you all a very happy Women's Day, and please come out and be fit and strong and healthy. Namaskar, main hu Shaina NC, aur 8 March ko har ek mahila ko shubhkamnaye International Women's Day pe bhi, aur main manti hu ki 365 days of the year 24/7 महिला को सम्मान मिलना ही चाहिए ये एक हक का मुद्दा नहीं है मैं मानती हूँ कि ये पुरुष और महिला दोनों को समझना चाहिए कि घर परिवार की शुरुआत है एक महिला से और आज के परिपेक्ष में देखें तो महिला सक्षम है अपने प्रोफेशन में भी तो वीमेन हैव एम्पावर्ड अदर वीमेन माय रिक्वेस्ट इज प्लीज सपोर्ट वीमेन लेट मेन सपोर्ट वीमेन एंड लेट वीमेन सपोर्ट वीमेन टू पिछले 45 वर्षों से अपनी कहानियों उपन्यासों और व्यंग्य रचनाओं से स्त्री की कहानी सुनाती आई हूं आप सब आज महिला दिवस पर विश्व महिला समाज को मैं अपनी राशि राशि शुभकामनाएं दे रही हूं बहुत बहुत बधाई क्योंकि स्त्री आज उपलब्धि के जिन शिखरों पर पहुंची है वहां पहुंचकर उसने आपको प्रमाणित किया है मैं उन्हें संबोधित करूँगी और कहूँगी कि सुन स्त्री तेरी तरह दुनिया में कोई दूसरा नहीं तू सबसे अलग अनूठी है अपनी तरह की बस अकेली है तेरे अंदर एक दिया है एक ज्योत है कस्तूरी का एक टुकड़ा है और है एक जादू की छड़ी तेरी तरह दुनिया में कोई दूसरा नहीं विधाता ने तुझे इतना सब कुछ दे रखा है उसे दे देकर स्त्री आज तक अघाई नहीं अघाएगी भी नहीं नहीं थकेगी लेकिन देखना तू स्त्री एक दिन वे लेते लेते थक जाएंगे और तब तेरे सामने उनके मस्तक झुकेंगे कहा जाता है अच्छी कला या अच्छी कविता एक ऐसी जगह से निकलती है जहां पर डिस्ट्रेस होता है जहां पर परेशानियां होती हैं हिंदुस्तान में या फिर पूरे विश्व में महिलाओं ने बहुत कुछ झेला है आज भी झेल रही हैं और उसी का नतीजा ये है कि ऐसी कवयित्री ऐसे रचनाकार हमारे समाज में बहुत सी आई जिन्होंने अपनी व्याथा अपनी गाथा बताई आज हमारे साथ एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक विख्यात कवयित्री डॉक्टर अनामिका अंबर मौजूद हैं जो हमें बताएंगी कि मीडिया का क्या रोल जेंडर इक्वालिटी में है अपनी कविता से लाखों का दिल जीतने वाली अनामिका जैन का इस कार्यक्रम में खास स्वागत है और मैं आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे दर्शकों से रूबरू हो थैंक यू सो मच बहुत सारी अच्छी प्यारी प्यारी ऑडियंस का और आप लोगों का भी आदेश करें अगर हम कविता जगत की बात करें या वहीं से शुरुआत करें तो जब भी हम कवि सम्मेलन देखते हैं मुशायरे देखते हैं तो ज़्यादातर देखा जाता है कि वो मेल डोमिनेंट एक स्टेज नज़र आता है बहुत सारे ऐसे कवि हुए शायर हुए जिनका नाम हमने सुना पर वहीं एक दो महिला भी उन पर भारी पड़ जाती है और उन्होंने ना सिर्फ हिस्ट्री में बल्कि आज भी अपने शब्दों से लोगों को अपनी व्यथा बताई और इंस्पायर किया आपकी कहानी बेशक
सबसे पहले तो इस बात के लिए बहुत सारा आपका धन्यवाद कि आपने बातों बातों में ये बता दिया है कि बहुत सारे पुरुष होते हैं और एक दो कवित्री होती हैं और वो भी भारी पड़ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम शुरू से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और हिमांशु जी प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। सो इनके लिए ज़ोरदार तालियां, बहुत अच्छी संचालिका और बहुत अच्छा संचालन आप कर रहे हैं। बेशक मुझे इस क्षेत्र में 18 साल हो गए हैं, मैं बाल कवित्री हूँ और कविताएँ कर रही हूँ, देश भर में जाती हूँ बेशक से, और मुझे बहुत गर्व होता है कि एक नारी होकर के मैं पुरुषों के साथ उस क्षेत्र में जहाँ पर पुरुषों ने ये सोचा है कि उनके अलावा यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है, उस क्षेत्र में उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हूँ। ये सौभाग्य की बात है। बहुत सारे वक्ताओं ने यहाँ पर अपनी अपनी बात कही, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये कही, जेंडर इक्वेलिटी को लेकर के हम यहाँ पर एकत्रित हैं। जो बात कही गई, मैं अपनी एक बात रखती हूँ उसके बाद, क्योंकि कवित्री हूँ और मैं हर बात कविताओं से आप तक पहुँचाऊँगी। बहुत मेरा मन है ताकि आप लोग भी कविताओं से मेरी बात को समझेंगे भी और जानेंगे। आपने हमारा मन पढ़ लिया, थैंक यू सो मच। तो लेकिन आप लोगों ने जो कुछ भी कहा उसमें एक छोटी सी बात, मैं उम्र की दृष्टि से आप सबसे छोटी हूँ, फिर भी कहीं मेरी कलम इस बात को बड़ा कर दे या इस बात से आपको ऐसा लगे कि अनामिका ने सटीक बात कह दी, तो मुझे आपका मन चाहिए। मैं एक बात कहने जा रही हूँ, लड़कों को पढ़ाने की ज़रूरत है, बेटियों को पढ़ाने, उनको बचाने की ज़रूरत है। बेशक से एक बात यहाँ से इस मंच से उठी कि लड़कों को भी पढ़ाने की ज़रूरत है, सबसे पहले आपने बोली थी, बेशक से लड़कों को पढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन उसी के साथ एक और बात यहाँ पर उठी जिसको मैं हाईलाइट करूँगी, वो ये है कि जब हम ये सोचते हैं कि हमें पुरुषों का सपोर्ट मिलना चाहिए, उनके जैसी जगह मिलनी चाहिए, उनके जैसा हमें डोमिनेट करना चाहिए, हर वो जगह जहाँ पर पुरुष है वहाँ पे हमें होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि उनके जैसी आदतें भी हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कि अभी जस्ट मुझसे पहले आदरणीय यहाँ से कह के गए हैं कि कहीं ना कहीं पुरुष अपने अंदर बातों को सीक्रेटली अपने अंदर रखते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, तो बहुत सारी ऐसी क्वालिटी होती हैं जो महिलाओं से अलग होती हैं पुरुषों में, और नो डाउट ये जग के निर्माण के समय ये निर्धारित हो गया था कि किसका क्या काम है, उसके बाद भी एक दूसरे के सपोर्ट से हम इस संसार में हैं, इस दुनिया में हैं। नारियों की बात करूँगी, मैं आपसे चार चार पंक्तियों से जुड़ती हूँ, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर उसमें होगा, फिर भी मैं चाहूँगी कि आपके कोई भी प्रश्न इस बीच में हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। जी, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, शुरुआत करती हूँ। लोग कहते हैं नारी आधुनिक हो गई है, उसके बात करने का तरीका बदल गया है, उसके उठने बैठने का तरीका बदल गया है। नो डाउट नारी आधुनिक हो गई है, मॉडर्न हो गई है, उसके वस्त्र आदि पहनने का तरीका बदल गया है, लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदलती, कम से कम हिंदुस्तान में, मैं वहाँ से शुरू करती हूँ और वहाँ तक लेकर के जाने का प्रयास करती हूँ जिस बात के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। सुने, नारी जब सच्चा प्रेम करती है, कोई भी नारी ये नहीं चाहती कि वो अपने पिता से आगे चले, अपने भाई से आगे चले, अपने पति से आगे चले, हर नारी ये चाहती है कि वो उसके साथ चले, उसको उसका साथ मिले जो उसके साथ है, कोई भी पुरुष। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। नारी जब सच्चा प्रेम करती है तो अपने अंतर मन को एक बात का बोध कराती है, वो बात ये है, वो कितनी भी मॉडर्न हो जाए लेकिन वो बात ये कहती है जो मैं कहने जा रही हूँ। आप सबसे ये अनुरोध है, आप लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा बोला और बहुत अच्छा सुना भी, लेकिन मेरी इन पंक्तियों पर आपकी तालियों का साज मिले तो कहीं हम एक दूसरे का साथ यहाँ पर भी देंगे। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि मैं तेरे नाम हो जाऊँ, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊँ, तू मेरा दाम हो जाए, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा
हो मंजूर है मुझको, बनू मैं रुकमणी तेरी, तू मेरा श्याम हो। बहुत आभार। ये रुकमणियाँ, ये सीताएं, ये अहिल्याएं, ये अनामिका, यहाँ बैठी तमाम नारियाँ, मुझे सुन रही तमाम नारियाँ, ये संचालन कर रही यहाँ पर, ये सब क्या सोचती हैं, क्या करती हैं? एक शब्द में मैं इस तुलनात्मक अध्ययन, नारी और पुरुष के तुलना को मैं एक एक मैं चार पंक्तियों में कहती हूँ, और कहीं बात सही लगे तो मेरा मन रखे, मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। बेशक बहुत मुश्किल होता है जब आप वर्किंग हो और लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हो और एक्सेप्ट करने में कहीं कतरा रहे हो, आपको बार बार ये प्रूफ करना पड़ रहा हो कि आप नारी हैं तो क्या हुआ, हम आपके बराबर काम कर सकते हैं, बेशक। लेकिन ऐसे में अनामिका ने क्या सोचा या नारियां क्या सोचती हैं, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, स्वाभिमान की पंक्तियां आप तक पहुँचे। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुम। जोरदार तालियां इनके लिए। ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। यहाँ एक बहुत बहुत खूबसूरत जोड़ा मैंने देखा। आज मैं सच बताऊँ, मेरे लिए ये एक उपलब्धि है कि मैं आप सबके साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप लोगों को देखा, कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान ने आपको देखा होगा, आपको देख रहे होंगे, और आपको देख के एक ही बात मन में आ रही होगी कि ऐसा जीवन साथी हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। एक नारी क्या सोचती है, नारी की चार पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। और आप लोग चाहें तो मेरे से प्रश्न भी कर सकते हैं, मैं उत्तर के लिए तैयार हूँ, पर हम आपको सुनना चाहेंगे। बहुत आभार, सुनिएगा। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। आपने कहा कि ऐसा नहीं है, नारियां सब साथ हैं, और किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, ज़रूरी नहीं कि ए सिटी बी सिटी, आप सी और डी सिटीज़ में भी जाइए, नारियां साथ हैं, वो उनको उनको घर से सपोर्ट मिल रहा है, और ये बहुत बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली प्रॉब्लम स्मार्ट सिटीज़ की नहीं है, प्रॉब्लम स्मार्ट सोच की है। वो आपको किसी छोटे शहर में भी मिल सकती है, वो कहीं आपको बड़े सिटीज़ में भी नहीं मिल सकती, तो ये विचारों की है। तब मैं कहती हूँ कि जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं, तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं। मैं आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज, कुछ रह ही नहीं गया पूछने के लिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं जिस जगह खड़ी हूँ वहाँ से ये बात जानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक प्रश्न आप लोगों का उठा था
कि कहीं ना कहीं पुरुषों में वो पुरुषत्व जागता है, जिसके कारण उन्हें ऐसे लगता है कि नारी को डिफीट करना, नारी को पछाड़ना संभव यदि उनके टैलेंट से नहीं है तो रेप जैसी घटनाएं इस देश में हो रही हैं। बेशक से बहुत दुख होता है, पिछले दिनों हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में चलती हुई बस में जब इस प्रकार की दरिंदगी हुई, उसके बाद कहीं सुनने में आता है 5 साल की छोटी सी बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी होती है, सुनने में आता है 10 साल की छोटी सी बच्ची के साथ, कहीं सुनने में आता है बहुत प्रबुद्ध महिला के साथ, कहीं सुनने में आता है बहुत टैलेंटेड महिला के साथ, कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएँ घटती हैं। दुख तब होता है जब कोई जिम्मेदार व्यक्तित्व सार्वजनिक रूप से ये कहे कि ये नारियां वस्त्र ऐसे पहनती हैं कि इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, नारियों का एटीट्यूड ऐसा है कि इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। ठीक है, 1-2% मान लेते हैं कुछ होगा, लेकिन मैं एक बार उन प्रबुद्ध श्रोताओं से, उन प्रबुद्ध लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि उस 5 साल की छोटी सी बच्ची ने ऐसा क्या पहना था, उस 10 साल की, उस 6 महीने की छोटी सी बच्ची ने ऐसा क्या पहना था जिसे देख कर वात्सल्य की जगह वासना जन्म लेती है। तब कहीं मैं हिंदुस्तान की हर नारी को, या कहीं की भी उस नारी को जो कहीं अपने मन में कोई बात दबा के बैठी हो, मैं मेरी नन्ही कलम अपनी बड़ी बात पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। हर महिला ये बात ज़रूर सुने और हर पुरुष मेरी इस बात को सुन करके ये संदेश अपने से जुड़ी हर नारी, हर महिला तक ज़रूर पहुंचाए जो मैं कहने जा रही हूँ। सुने कि खून अंदर कहीं उबलता है, खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है, क्योंकि नन्ही कलियों पर उठे जो आँख उसको फोड़ दो, नन्ही कलियों पर उठे जो आँख उसको फोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला कानून भी सब तोड़ दो, देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो। अनामिका जी, आपने अपने शब्दों से इतनी बड़ी बातें इतनी सहजता से कह दी कि हमें पूरी उम्मीद है, हमें जो दर्शक देख रहे हैं यहाँ पर और टीवी के माध्यम से, उनके अंदर ये सवाल ज़रूर उठेगा कि क्या इतनी छोटी बच्चियों के साथ जो वो गलत काम कर रहे हैं वो करना शोभा देता है, भारत का नाम जो ख़राब हो रहा है वो होना शोभा देता है। आपकी इन कविताओं, इन शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं एक बात चलते चलते ज़रूर कहूँगी और आप सबका मन भी मांगूँगी, जितनी भी नारियाँ हैं या जो छोटी बच्चियाँ हैं, या हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं जब हम आगे बढ़ते हैं तो आसपास के लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगी कि कई बार जब मंच पर हम कवियत्रियों को देखते हैं या तो जनरली एक सवाल आता है, इज शी जस्ट अ प्रिटी फेस स्टैंडिंग हियर, या इसकी कविता में कुछ दम भी है। ज़्यादातर जो सीनियर पोएट्स या सीनियर लोगों का ऐसा एक रुख रहता है कि हाँ हाँ बच्चे हैं पढ़ लेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे आपने कभी बायस खुद महसूस करे हैं, या आपका कभी ऐसे जेंडर इक्वालिटी का या इनइक्वल बिहेवियर आपके साथ कभी हुआ है? थैंक यू सो मच इस प्रश्न के लिए, मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, कहीं ये इंस्पिरेशन भी हो सकता है यदि किसी को मेरी इस बात से इत्तफाक हो तब। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं जब मंचों पे जब जाती थी, छोटी थी बेशक से, तो सबसे पहले तो लोगों को यही विश्वास नहीं होता, साहित्यकारों को देख के या कोई लिखता है या कुछ भी ऐसा है तो लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि लड़की ऐसा कर सकती है क्या, तो एक प्रश्न चिन्ह के साथ लोग मुझे देखते थे। हाँ। कि ये जो इन्होंने लिखा है ये अनामिका ने खुद लिखा है, इनकी बातचीत अलाउड कर रही है कि ये जो लिखा है वो खुद लिखा होगा, इनकी प्रस्तुति से लगता है कि ये इन्होंने खुद लिखा होगा, तो मुझे इन प्रश्नों का, जो उनके आँखों में प्रश्न होते थे, उसका भी सामना करना पड़ा, एंड नो डाउट मुझे इस बात का भी सामना करना पड़ा
जब ऑडियंस मुझे सुन रही होती थी और संचालक जब सपोर्ट करता है, हमारे यहाँ एक, एक, एक प्रथा है जी, 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 कि यदि संचालक सपोर्ट कर रहा है तो कवित्री आगे बढ़ रही है, एक नोकझोंक कर रहा है, छेड़ाखानी चल रही है तो कवित्री आगे बढ़ रही है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैं एक मंच पे गई तो मुझे बोला कि अनामिका आपको ये यही यही पढ़ना है और इस तरह का हम प्री डिसाइडेड एक नोकझोंक हम मंच पे करेंगे, तो मुझे आई डिनाइड हिम, मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा मैं जो प्रिपेयर करके लाई हूँ मैं वही पढ़ूंगी। मैं हूट हुई, ऑडियंस ने मुझे बिठा दिया, छोटी थी, 15-16 साल पहले की बात होगी, मुझे बहुत बुरा लगा। देन आई डिसाइडेड कि अब आज के बाद मैं सिर्फ ऑडियंस से बातचीत करूंगी, मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अपनी टिप्पणियां, अपने सटायर्स, अपनी पोएट्री, अपनी जो बातचीत है वो सब साझा मैं सिर्फ ऑडियंस के साथ करूंगी। और वही कारण है कि मैं ऑडियंस के साथ बातचीत करती हूं और मैं चलते चलते वो बात आपसे ज़रूर कहना चाहती हूं जिस बात के लिए मैं रुकी थी, एंड मैं ज़रूर जल्दी से कहती हूं और आप सबसे कहती हूं, सुनिएगा। लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है कि उनकी बददुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे काम से इतने, यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे काम से इतने, धुआं दिल से जो उठे तो मेरी तस्वीर बनती है, दिल से जो उठे तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू अनामिका। आपकी कविता सुन के कुछ प्रश्न तो रह ही नहीं गए, लेकिन एक लाइन में कहना चाहूंगा कि आपने जो कविता सुनाई है वो अपने आप में एक काबिलियत तारीफ है। आपका अंदाज और आपके अल्फाज सुन के एक जो महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है आपके खड़े होके कि आपने जो कविता सुनाई है वो अपने आप में ही एक काबिलियत तारीफ है। जहन में जो जा रहा है वो कुछ अच्छा महसूस होके जा रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा नाम सुनीता ठाकुर है और मैं जिला शिमला गाँव बामी की रहने वाली हूँ। और मैंने जो है सबसे पहले तो बीए तक जो है पढ़ाई की है, और उसके बाद जब मैं छोटी सी थी तो मैंने छोटी उम्र में टीवी देखती थी, तो उसमें ये जो जितने भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ तैयार किए हैं वो मैं सीखती थी उसमें। और उसके बाद फिर मन में धीरे धीरे, पहले तो ये सोचती थी कि शायद मैं ये सब नहीं सीख पाऊँगी क्योंकि घर की जो परिस्थितियाँ थी वो ऐसी नहीं थी कि मैं ये सब कर पाऊँ, लेकिन जो मेरे मदर जो पेरेंट्स हैं इन्होंने मुझे बहुत कुछ मतलब कि दिया है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्री शिमला, इसमें उद्योग विभाग में कार्यक्रम समन्वयक भी हूँ, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। और आज तक मैंने हिमाचल, पूरे हिमाचल में मैं महिलाओं को ये ट्रेनिंग देती हूँ हर तरह की, जिस तरह से बैग हो गया, मतलब ऑल चीज़ों की ट्रेनिंग देती हूँ जो कुछ भी है, और महिलाओं को हम जागरूक करते हैं। तो उसके साथ ही मैंने सोचा जब मैं महिलाओं को जागरूक कर रही हूँ तो इस काम को खुद ही क्यों ना शुरू करूँ, तो इसलिए मैंने 2 साल हो गए हैं मैंने ये काम शुरू किया है और इस काम को मैं कर रही हूँ। और ये जो काम है मैंने PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट रोजगार के तहत ये काम शुरू किया है, और मुझे मेरा पूरा परिवार मुझे सपोर्ट करता है। और मैं रात को 3-3 बजे तक काम करती हूँ, ऑर्डर होता है तो मैं सुबह तक भी काम करती हूँ। वर्तमान में लड़कियां लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं, ये हमने देखा, हम रोज़ अखबारों में भी पढ़ते हैं। ऐसे में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां से लड़कियों ने स्पोर्ट्स में ऐसा प्रदर्शन किया कि उसकी ख्याति, उसकी गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दी गई। हमारे साथ धर्म प्रकाश जी हैं जो प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो मंच पर आएं और हमें बताएं कि हरियाणा की धरती में, वहाँ की मिट्टी में ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या खुशबू है कि वहाँ की बेटियाँ पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान का परचम लहरा रही हैं। हरियाणा प्रदेश को लेकर जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी में अगर अवेयरनेस की बात करें तो लोग काफ़ी समय से वहाँ पर अवेयरनेस फैलाने में काफ़ी काम कर रहे हैं, और अगर आज के युग की बात करें तो हरियाणा में काफ़ी लोग अवेयर भी हो चुके हैं। शुरुआती दौर में महिलाओं को किस किस परेशानी का सामना करना पड़ता होगा? मैं यहाँ पर आपके इस कार्यक्रम में पहुंचकर बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जेंडर का इक्वलिटी की बात, तो हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ सदा से ही मान सम्मान रहा है महिला का,
और जैसा आपने कहा कि प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल और हरियाणा की बेटियों ने नाम रोशन किया है, वास्तव में हरियाणा की धरती इस बात के लिए जानी जाती है कि यहाँ पर सदा से ही महिलाओं का मान सम्मान होता है और भविष्य में भी होता रहेगा। जहाँ तक जैसे कन्या भ्रूण हत्या की बात है, या मेरी बड़ी बहन कवियत्री ने भी उठाई बात कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार के रेप आदि, उसमें निश्चित रूप से ये आवश्यकता है कि हम समाज को जागरूक करें। और एक सबसे जो कमज़ोर जो तथ्य है जो मेरे माइंड में भी आता है हमेशा, कि यदि कहीं पर कोई दुर्घटना घटती है इस प्रकार की, तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस दुर्घटना से महिला का सब कुछ बिगड़ गया है। ये सोच जिस दिन बदल जाएगी, उस दिन हम उस बात की तरफ बढ़ जाएंगे और उस जो मेल कैंडिडेट है उसको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा कि जो माँ बहन जो जिस दुख से है वो दुख आप महसूस करोगे, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक हमारी ठीक हो जाएंगी। और जैसे ओलंपिक के अंदर भी, कुश्ती के अंदर भी जब हमारे खिलाड़ी जाते हैं और हम भी वहाँ पर प्रैक्टिस कराते हैं, अभी मेरे साथ बैठी हुई मेरी स्टूडेंट सीमा, जिसने कॉमनवेल्थ में सीनियर में जो है सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और अब भी ये वहाँ पर लड़कों और लड़कियों को दोनों को ही ट्रेनिंग दे रही है, तो ये हरियाणा की धरती बहुत ही इस बात के लिए जानी जाती है, मजबूत है। तो सर, आज तो हरियाणा के बारे में मुझे लगता है इंटरनेशनली भी लोग जानते हैं कि ये ऐसी धरती है, इस ज़मीन से लड़कियां आके कमाल कर रही हैं, पर क्या अभी भी हरियाणा में ऐसी सोच वाले कुछ लोग कायम हैं जो लड़कियों को शायद बाहर नहीं जाने देते, इतनी आज़ादी नहीं देते, खेल कूदने नहीं देते? इस बात के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि इसमें पुरुष तो हमेशा ही मदद के लिए रहता है जी, मैं कहीं ना कहीं माँ जो है वो उस बात के लिए संकोच करती है कि बेटी बाहर जाएगी कहीं किसी प्रकार की। तो आपकी एकेडमी में अभी भी ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं हम तो खेलना चाहते हैं पर माँ नहीं खेलने देती? नहीं, अब वो समय बदल गया है और मेरे पास लड़के और लड़कियां दोनों ही अभ्यास करती हैं और मैं गर्वित महसूस करता हूं कि जो रिजल्ट है वो हमारी बेटियों का ज़्यादा है। और हमारे वहां पर भी जैसे पहले केवल बॉयज छात्रावास था और हम अब जो है ना महिला छात्रावास भी आरंभ कर रहे हैं ताकि और अच्छे रिजल्ट हम देश के समाज को और अच्छी बेटियाँ प्रोग्रेस कर सकें और हम ये सिद्ध कर सकें कि, और मैंने तो कई बार लड़कों को मोटिवेट करना पड़ता है, मेरे विद्यालय की यदि बात करूं, मंच पर आने में हमेशा लड़कियां आगे हैं और आगे लड़कों को मोटिवेट करना पड़ता है कि आप आइए, तो मैं कहीं ना कहीं इस बात से डरता हूं कहीं पुरुष पीछे ना रह जाए। हमें बड़ी ही खुशी हुई कि आज आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। धन्यवाद। हरियाणा में सेक्स रेशियो में बड़ा बदलाव आया है। राज्य में पिछले 5 वर्षों में सेक्स रेशियो 871 से बढ़कर 923 तक पहुंच गया है। हरियाणा का लक्ष्य है 1000 पुरुषों पर 950 महिलाओं के बेंचमार्क को हासिल करने का। मेरा नाम सीमा ठाकुर है, मैं हिमाचल की प्रथम महिला ड्राइवर हूँ। मेरी ज्वाइनिंग 5 मई 2016 को हुई थी और अब मुझे 3 साल पूरे हो गए हैं और हिमाचल पथ परिवहन निगम में सेवा देते हुए। मेरी स्कूलिंग डीएवी स्कूल से हुई है शिमला से और मेरे पापा भी एचआरटीसी में ड्राइवर थे और मेरा कुछ बचपन से अलग सपना था कि मैं कुछ अलग करूं। तो 6th क्लास में तब से मैंने अपने पापा के साथ ड्राइविंग सीखनी शुरू कर दी थी और उसके बाद एक सपना बना लिया था कि मुझे कुछ सबसे अलग करना है। और जब मैं प्लस टू में गई और मैंने देखा कि एचआरटीसी में अभी कोई भी महिला ड्राइवर नहीं है, तो मैंने ये फिर उसके बाद 2010 में हैवी लाइसेंस बनाया। मेरे मम्मी पापा दोनों ही खुश थे कि भाई मैं एचआरटीसी में ड्राइवर बनूं, क्योंकि ये कुछ अलग था और ये मेरे पापा भी एचआरटीसी में ड्राइवर थे, तो मैंने कुछ अलग करके दिखाया है। दीपाली पोद्दार एक आदर्श और लाखों महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। दीपाली का सफर प्रेरित करता है कि घरेलू कामकाज और तमाम तरह की रूढ़िवादिताओं के बीच अगर मन में कुछ करने की इच्छा है तो महिलाएं रास्ता बना सकती हैं। I love to drive. To me, life is a journey. So let's make it an adventurous one. We women at every stage
are faced by fear of unknown. We do not know what the next turn may bring up and where will the road ahead take us. My passion for driving started at an early age of my life and supported by my father and later by my husband and daughter. I request all parents to support their girl child in their efforts so that they can create a beautiful, memorable journeys. रूढ़िवादी मान्यताओं और वही पुरुष के एक प्रधान विचारों को अब चुनौती दे रही है महिलाएं। हमारे देश की महिलाएं सफलता को अब कायम कर रही है, अपने हुनर को आजमा रही है। ऐसी भी महिलाएं हैं जो कवियत्री है और अपने ही क्षेत्र में काफ़ी सम्मान पुरस्कार पा चुकी है। ऐसी भी महिलाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे जा रही है। ऐसी भी हमारे देश की महिलाएं हैं जो अपने एक क्षेत्र का नाम पूरे देश में और पूरे विदेश में रोशन कर रही है। ऐसी भी महिलाएं हैं जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाके हमारे देश का झंडा लहरा रही है। ऐसी है हमारे देश की महिलाएं। वी रियली होप दैट टुडेज डिस्कशन एक्चुअली put some light on topics, on issues of gender equality, which probably you and me were just thinking about. हम उम्मीद करते हैं कि हमारी महिलाएं निरंतर रूप से एक के बाद एक नए आयाम बनाती रहें, इंस्पायर करती रहें अपने साथ साथ आसपास के लोगों को भी. We really hope that women keep shining, keep going further and achieving greater heights, greater goal. Thank you and a big congratulations on the occasion of Women's Day to all our ladies and also to our men. Thank you. सेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रतीक परिवार की चौथी पीढ़ी जिसको देश सेवा और सैन्य अनुशासन विरासत में मिला हो, भारत के होशियारपुर की होनहार बेटी कैप्टन तान्या शेरगिल, आजाद भारत के तकरीबन 7 दशक से ज्यादा के समय में हमने देखा पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में महिलाओं ने न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है और इसी तरह पुरुषों के वर्चस्व की सेना में भी महिलाओं ने अपनी आमद को दर्ज कराया है। तान्या बहुत बहुत स्वागत है आपका और तान्या शेरगिल के बारे में ये भी हम बताना चाहेंगे कि ये पहली महिला एडजुटेंट हैं जिन्होंने सेना दिवस पर पुरुषों की पूरी टुकड़ी का नेतृत्व किया था। तान्या ये एक्सपीरियंस था और उस समय आपकी पूरी उस परेड का एक तरह से वीडियो वायरल हुआ है पूरे देश में। आप ज़्यादा नहीं सोचते हैं बिकॉज आप जब मैदान पे उतरते हैं आप ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं होते हैं उस चीज़ की कि यू आर कॉन्फिडेंट व्हेन यू गेट डाउन ऑन द ग्राउंड। आपका इतिहास अगर पीछे जाएं परिवार में भी तो आप चौथी पीढ़ी हैं जो सेना में हैं, तो सेना और यूनिफॉर्म से आपका लगाव, लगातार आप उसके संपर्क में रही हैं, घर में उस शौर्य को देखा है, उस गौरव को देखा है आपने, किस तरह से लगता है जब आप तैयार होकर जब आपने सेना दिवस पर उस परेड का नेतृत्व किया
क्या चल रहा था दिमाग में, क्या लगता था, घर वाले देख रहे हैं, दोस्त देख रहे हैं। फौज में एक कहावत है जिसे बोलते हैं माइंड ऑन परेड, मतलब कि जब आप परेड में होते हैं आपका पूरा ध्यान परेड में होना चाहिए, अगली कार्रवाई आप क्या करेंगे, अगली वर्ड ऑफ कमांड क्या देंगे। इसके अलावा मैं इस पूरी सेना का बहुत ही छोटा सा हिस्सा हूँ। व्हेन इट कम्स टू हमारे कोर ऑफ सिग्नल्स का कंटिजेंट, तो हमारे सीनियर कर्नल कमांडेंट, हमारे कमांडेंट ट्रेनिंग सेंटर के, हमारे कमांडिंग ऑफिसर, हमारे OC, मेरे फेलो ऑफिसर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स और हमारे कंटिजेंट, हम सब अपने ट्रेनिंग सेंटर में 6 महीने पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब हम दिल्ली में आते हैं तब तक हमारी तैयारी हो चुकी होती है। दिल्ली में बेसिकली दिसंबर महीने में सेंट्रलाइज परेड सेट की जाती है आर्मी डे परेड के लिए, और उसके बाद आर्मी डे परेड के बाद हम गणतंत्र दिवस के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। पूरी तैयारी में तानिया, बहुत सारी लड़कियां आपको देखकर आज मुझे लगता है कि आप उनके लिए आदर्श हैं, उत्साह होता होगा, आप जैसा बनने का जज्बा जगता होगा आपको यूनिफॉर्म में देखकर। क्या आप उन लड़कियों को ये बताना चाहेंगे कि आपका रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कितनी रिग्रेस रही है? हमारी ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में होती है, जिसे एक बहुत ही टफ ट्रेनिंग अकेडमी माना जाता है। बट जब आप ट्रेनिंग अकेडमी में आते हैं शुरू के कुछ दिन कठिन होते हैं, बिकॉज आपको अपने नॉर्मल लाइफ से फौजी लाइफ में अडाप्ट होना होता है, तो इट टेक्स अ वाइल। बट देन आपके कोर्समेट्स आपके साथ में होते हैं और आपके सीनियर्स होते हैं वहाँ पे, वो आपका ध्यान रखते हैं, हर तरह की कार्रवाई वहाँ पर होती है, और आप धीरे धीरे ग्रेजुअली यू बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, यू लर्न अ लॉट एंड यू ग्रो एज अ पर्सन। बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे ट्रेनिंग अकेडमी में बस एक चीज़ आपके दिमाग में होती है कि अगर मैं एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ या मैं एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, ये एक साल की ट्रेनिंग ही आपका फाउंडेशन होती है। 4 generations में आपने घर में देखा लोग सेना में रहे, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी, फिर भी हमने देखा है कि आमतौर पर जब generations में लोग किसी प्रोफेशन कहें या किसी सेवा में रहते हैं तो बच्चों को कहीं लगता है कि कुछ और अलग किया जाए। वो क्या चीज़ थी जो हमेशा से आकर्षित भी करती थी और आपको प्रेरणा देती थी कि आप सेना में जाएं? मैं जब बहुत छोटी थी तो पापा जैसे वर्दी जब पहन रहे होते थे तो मैं हमेशा उन्हें देख के मन में सोचा करती थी कि किसी दिन मैं भी इस वर्दी को कमाना ज़रूर पसंद करूँगी। फिर जैसे पापा ऑफिस जाते थे तो मैं और मेरा भाई पापा के साथ ऑफिस जाते थे, तो हमने बचपन से फौजी माहौल देखा है, तो आई ऑलवेज वॉन्टेड इट फॉर माई सेल्फ। भाई आपके सेना में नहीं है, उन्होंने अपना दूसरा चुनाव किया अपनी आजीविका अपने प्रोफेशन के लिए, ये फ़र्क क्या था? हमारे घर में बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, बचपन से हमें बोला गया था कि जिस भी चीज़ के लिए आप पैशनेट है आपको उसे परस्यू करना चाहिए। माय ब्रदर ही वाज पैशनेट फॉर होटल मैनेजमेंट, तो उन्होंने होटल मैनेजमेंट परस्यू की, मुझे फ़ौज का शौक था इसलिए मैंने आर्मी ज्वाइन की। आर्मी में आने के बाद क्या आपको कभी लगा कि लाइफ में बहुत सारी और भी चीज़ें थी जो की जा सकती थी? क्योंकि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपने इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग के बाद सेना में आना, मतलब ये इंजीनियरिंग उसका हिस्सा रहा? कॉलेज के फाइनल ईयर में मेरा TCS में प्लेसमेंट हुआ था, बट मैं फ़ौज के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इसलिए मैंने फ़ौज ज्वाइन की। इसके अलावा मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की और मैं कोर ऑफ सिग्नल्स में हूँ, तो ऑब्वियसली जिस स्ट्रीम में मैंने इंजीनियरिंग किया दैट हेल्प्स इन कोर ऑफ सिग्नल्स, बिकॉज कोर ऑफ सिग्नल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कॉम्बैट कम्युनिकेशन इन पीस टाइम एज वेल एज वॉर टाइम। तो मैं ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग और फौज बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जिस प्रकार से जो स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग परस्यू करते हैं, अगर वो इंजीनियर्स कोर ऑफ इंजीनियर्स में जाते हैं तो इट इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प टू देम, बिकॉज दैट इज़ अगेन देयर इंजीनियरिंग फील्ड इज़ बैकिंग देम अप इन गिविंग देयर बेस्ट एंड सर्विंग द नेशन, बिकॉज दैट इज़ वॉट दे हैव स्टडीड। अगर लड़कियाँ सेना में जाना चाहती हैं तो उससे पहले के चुनाव भी उनको बहुत ध्यान से करने चाहिए। कॉलेज के फाइनल ईयर में देयर आर 3 ways जिससे आप फौज ज्वाइन कर सकते हैं फॉर वुमेन एंट्री। पहला है अगर आप NCC में हैं तो आप आ सकते हैं, दूसरा होता है टेक्निकल एंट्री अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है एंड देन यू कैन कम फ्रॉम द टेक्निकल एंट्री, थर्ड होता है CDS कमांड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम, जो कि एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है जिसे अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका SSB आता है। इन तीनों एंट्रीज़ के थ्रू जब आप SSB देते हैं, अगर आप SSB में रेकमेंड होते हैं तो देन आपका मेडिकल होता है। मेडिकल क्लियर करने के बाद एक मेरिट लिस्ट निकलती है वैकेंसीज़ के ऊपर,
इफ योर नेम इज इन द मेरिट लिस्ट देन यू आर सेलेक्टेड फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई. लड़कियों को सेना में आने के लिए शारीरिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है या मानसिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है? सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, कोई भी फौजी हो, यू हैव टू बी मेंटली एज वेल एज फिजिकली स्ट्रांग. अकेडमी में आकर आप फिजिकली स्ट्रांग बन जाते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग बन जाते हैं, बट अगर आप अकेडमी में आने से पहले से ही अगर आप फिजिकली थोड़ा एक्टिव है, नॉट नेसेसरली भागना दौड़ना, अगर आप कोई इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट एनी ऑफ द स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इफ़ यू आर इन अ गुड शेप, ऑब्वियसली आपको वो अकेडमी में हेल्प करेगा, बिकॉज अकेडमी इज़ अ लॉट अबाउट फिजिकल्स, बिकॉज एक फौजी को फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ता है एंड मेंटली स्ट्रांग भी. क्या आप इस धारणा को सही मानती हैं कि एक फौजी परिवार में बच्चे फौज में ही जाना चाहते हैं? नहीं, जैसे मैंने बताया मेरे घर में भी यही माहौल था कि आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट है आपको उस चीज़ को परस्यू करना चाहिए. शौक अगर पूछें तान्या, तो शौक क्या थे? क्या आज भी उन शौक के लिए वक्त निकाल पाती हैं? बिल्कुल, आई एम पैशनेट फॉर फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग एंड म्यूजिक. फोटोग्राफी के शौक में क्या क्या किया है अभी तक, मतलब उस शौक को कैसे हमेशा से इस व्यस्त जीवन में और इस रिग्रेस ट्रेनिंग में कैसे उसके लिए वक्त निकालती थी? फोटोग्राफी के लिए, जैसे आई एम मोर पैशनेट अबाउट नेचर एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, स्पेशली बर्ड फोटोग्राफी, तो जनरली हमारी पोस्टिंग्स इस जगह होती हैं जो कि सिविलाइजेशन से थोड़ा दूर ही होते हैं, तो ऐसी जगहों पे आपको तरह तरह के बर्ड्स मिल जाते हैं. फिर आई क्लिक द बर्ड्स एंड देन आई हैव अ फील्ड गाइड जिससे आई रेफर की ये कौन सी बर्ड है, तो यू डोंट हैव टू ट्राई वेरी हार्ड. खुद को जब देखती हैं तान्या शेरगिल को, होशियारपुर पंजाब की तान्या शेरगिल, क्या मिस करती हैं आज? आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, आई एंजॉय स्मॉल थिंग्स इन लाइफ. व्हेन इट कम्स टू द मीडिया इंटरेक्शन, जैसे आप बोल रहे हैं, ऑल दैट वी डू इज़ फॉर आर नाम नमक एंड निशान. हम अपने लिए करते हैं, अपनी वर्दी के लिए करते हैं. आज धीरे धीरे जवानों की कैटेगरी में भी महिलाओं की भर्ती की बात हुई है. अब आपको क्या लगता है कि सेना में महिलाओं की भागीदारी को किस तरह से देखती हैं? आई फील कि माई जनरेशन इज़ वेरी प्रिविलेज्ड बिकॉज मे बी कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारी मदर्स को नहीं मिली थी, बट वी आर ब्लेस्ड विद दोज अपॉर्चुनिटीज़ एंड वन ऑफ देम इज़ बिकमिंग एन आर्मी ऑफिसर. एंड आई थिंक व्हेन आई बिकेम एन आर्मी ऑफिसर, तो वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन वॉज माई मदर. तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, एज अ वुमेन और एज अ मेल, इट इज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, अगर आपको अपनी देश की सेना में काम करने का मौका मिल रहा है तो ये बहुत ही प्राउड की बात होती है. माँ कितनी बड़ी प्रेरणा आपके लिए आपके जीवन में है? मम्मा एक टीचर थी और डिस्पाइट वर्किंग होने के बावजूद उन्होंने मेरे और मेरे भाई का ध्यान रखा. एंड मेरा भाई फिर भी शांत था, मैं बहुत बदमाश थी बचपन में, तो आई एम ग्रेटफुल टू हर कि उन्होंने हमें इतने अच्छे से पाला. एंड ऑल दैट आई एम आई ओ इट टू हर. परेड एडजुटेंट के लिए वो क्या चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं और ख़ासकर लड़कियों में, जब हम लड़कियों की बात करते हैं? परेड एडजुटेंट के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपकी वर्ड ऑफ कमांड और आपकी ड्रिल. ड्रिल हमें एकेडमी से ही सिखाई जाती है, तो इट इज़ नॉट समथिंग न्यू. इट्स जस्ट दैट फॉर आर्मी डे परेड एंड रिपब्लिक डे परेड आप अपनी ड्रिल को और निखारते हैं और पॉलिश करते हैं और मेहनत करते हैं. तो ये कब ये तय माना जाता है या उसके सिलेक्शन के क्या क्राइटेरिया होते हैं कि आप परेड एडजुटेंट होंगे? परेड एडजुटेंट आर्मी डे परेड से एक हफ्ता पहले फाइनल किया जाता है. उससे पहले हम सारे कंटिजेंट कमांडर्स परेड एडजुटेंट के लिए अपनी अपनी बारी से प्रैक्टिस करते रहते हैं. क्या आपको लगता है कि लोगों में देशभक्ति की भावना, लोगों में देश की सुरक्षा को लेकर जो भाव है, वो पिछले कुछ समय में बदला है? मुझे लगता है कि आजकल पीपल आर मोर पैशनेट अबाउट इट. जैसे हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए. जैसे आजकल इतनी अच्छी मूवीज़ भी आई हैं जो इस चीज़ के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस ले करती है कि दूसरे देश में जाना आसान होता है. बहुत कम लोग होते हैं जो अपने देश को चुनते हैं, अपने देश में रह कर के अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं. एक वर्दी में कैप्टन तान्या शेरगिल से इतर तान्या शेरगिल क्या हैं? एवरीबडी हैज़ अ प्रोफेशनल साइड एंड अ पर्सनल साइड. तो जैसा मैंने पहले भी बोला, आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, आई एंजॉय स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, आई एम अ वेरी नॉर्मल पर्सन. ट्रेनिंग के दौरान क्या कभी ऐसा लगता था कि इस ट्रेनिंग के ख़त्म होने के बाद मुझे ये करना है, ये चीज़ें करनी है, या सेना में रहते हुए ये मौका मिले तो शायद मैं अपने आप को ये समझूंगी या मैं अपने आप को एक टेस्ट करूंगी इस मौके पर?
सेना आपको बहुत सारे अवसर देती है अपने आप अपने पैशंस परस्यू करने के लिए. फॉर एग्जांपल आई वांट टू परस्यू माउंटेनियरिंग, तो हमारे यहाँ आर्मी एडवेंचर विंग है जिसके थ्रू आप बहुत सारे एडवेंचर कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं. अंत में ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप आज जब आप जानती हैं कि आपको देख के बहुत सारी लड़कियाँ बहुत सारी महिलाएं प्रभावित भी हो रही हैं और शायद सेना में आना भी चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगी उनके लिए? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, हमें एक ही जीवन मिलता है. आप किसी भी चीज़ के बारे में पैशनेट है तो उसे परस्यू करिएगा. डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट एंड बी अ गुड पर्सन. लिफ्ट ईच अदर अप एंड मूव अहेड टुगेदर. बहुत बहुत शुक्रिया तान्या. आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, इंडिया का अपना चैनल. तुम्हें पता है तुम्हारे घर में धर्म विरुद्ध आचरण हो रहा है? हमारे घर में धर्म विरुद्ध आचरण हुआ क्या?